वास्तविक ज्ञान सीरीज, इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अध्यात्म और वो सभी जरूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। वास्तविक ज्ञान सीरीज को आपके सामने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सभी समस्याएं और उनके समाधान शामिल हैं जो हर एक इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूँ। मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं, मैं सबको पूरा करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी ताकत है जिससे ये सब मुमकिन है। तुमने सुना है तो सही सुना होगा। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? जो भी आप मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं कुछ मांगने से पहले तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई जादू नहीं है जो तुम्हारी हर एक मनोकामना को पूरा कर दूं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इंसान को अगर कुछ पाना है और उसे वो नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उसकी गलती है। मैं केवल इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे सामने रखूँगा। अगर तुम अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो अपने आप सफल हो जाओगे। अगर मंजूर है तो बताओ। मुझे मंजूर है, लेकिन आप इसके बदले में मुझसे क्या चाहते हो, वो भी तो बताओ। इसके बदले में मैं भी तुमसे वही चाहता हूँ जो तुम मुझसे चाहते हो। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल दूंगा। तुम मुझे मेरी परेशानी का हल दे देना। मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, बदले में तुम मेरा एक काम कर देना। घबराओ मत, कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, कल शाम को मेरे पास दोबारा आना अपनी सभी परेशानियों के साथ और अपनी इच्छाओं के साथ, उसका समाधान करेंगे। अब हैप्पी वहां से उठा और अपने घर चला आया। अगले दिन शाम को फिर से बाबा के पास गया। बहुत अच्छे, शाम होते ही आ गए, इसका मतलब सच में कुछ पाना चाहते हो, सच में कुछ इच्छाएं हैं। जी बिल्कुल, आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। मुझे लगता है कि आप ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हो। तो बताओ, क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी और उनके लिए क्या कर रहे हो? गुरु जी, एक इच्छा नहीं है, बहुत सारी इच्छाएं हैं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है और मैं अपने अवचेतन मन को बहुत सारे मैसेज देता हूँ, रोज़ ये दोहराता हूँ। मुझे एक महंगी कार चाहिए, एक महंगा फ़ोन चाहिए, आलिशान मकान चाहिए, बहुत से नौकर चाकर चाहिए। मैं हवाई जहाज़ में यात्रा करना चाहता हूँ, महंगे होटल में खाना खाऊं, मैं ये सब दोहराता हूँ। बस बस, रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो, सब मिलेगा। उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वो वहाँ पर देखो, थोड़ी ऊन है, उसको लाओ। दो आंखें भी हैं, उसे भी लाओ। थोड़ा मांस है, उसे भी लेकर आओ। कुछ हड्डियाँ हैं, उसको भी ले आना। और हाँ, अगर जा ही रहे हो तो दो सींग भी मिलेंगे, उनको भी साथ में लेते आना। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वहाँ तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ तो बस एक खाली मैदान पड़ा है, बस घास है और वहाँ एक भेड़ घास चर रही है। अरे हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। उस भेड़ को ही लाना था। शाम का वक्त है, अब उसे बाहर नहीं रहना चाहिए। ये आप कैसा मजाक कर रहे हो? आपने कहा ऊन है, आंखें हैं, मांस है, हड्डियां हैं, सींग हैं। मैं सोच में पड़ गया था कि ये सब कहाँ है, और ये सब सोचने में वक्त भी बर्बाद हुआ। अगर आप कहते कि भेड़ को लाना है तो इतना वक्त नहीं लगता। आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने सोचा शायद तुम्हारा दिमाग इसी तरह समझता होगा, क्योंकि तुमने कुछ देर पहले कहा था मेरे पास कार, फोन, घर, नौकर, हवाई जहाज, होटल का खाना होना चाहिए। अगर तुम बोलते कि मुझे अमीर इंसान बनना है तो ये सीधी बात होती। मुझे लगा ये तुम्हारे बोलने का और सोचने का तरीका होगा, इसीलिए ऐसा बोला। लेकिन हर अमीर इंसान के पास ये सब होता ही है ना? तो हर भेड़ के पास भी तो ये सब होता है जो मैंने बोला है। ध्यान रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर बात स्पष्ट और सीधे तरीके से बताई जाए तो तुम्हारा अवचेतन मन भी वैसा ही चाहता है। तुम उससे जितनी स्पष्ट और सीधी बात करोगे वो उतना ही वक्त लगाएगा उसे समझने में और उस काम को करने में।
ध्यान रखना, इंसान की कोई भी भौतिक इच्छा केवल तीन ही श्रेणी में आती है, समृद्धि, सेहत और रिश्ते। इसके बाहर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को इन श्रेणी में रखो और अपने दिमाग को इसे आसानी से समझने दो। फिर ये इतना ही आसान होगा जैसे भेड़ को देख पाना। अगर नाम, शोहरत, दौलत, कार, नौकर चाहिए तो कहो मैं अमीर हूँ। अगर किसी भी बीमारी से निजात पाना चाहते हो तो कहो मैं स्वस्थ हूँ। अगर किसी से अनबन है या किसी इंसान से रिश्ता जोड़ना हो तो कहो मेरे और उसके रिश्ते मधुर हैं। तब तुम पाओगे कि खुद इसको समझना जितना आसान है, उतना ही अपने अवचेतन मन को समझाना भी आसान है। लेकिन एक सवाल है, क्या केवल इतना बोलना काफी है? क्या मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ और मेरे रिश्ते मधुर हैं, क्या इतना कहने से वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ? हाँ भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कल बताऊंगा। कल दोबारा भी तो आना है ना। कल इसके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारे वास्तविक ज्ञान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, हिप्नोसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द ही हमसे संपर्क करें। गुरुजी, हमारी बात कल अधूरी रह गई थी। मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं रोज अपने अवचेतन मन से बोलूं मैं अमीर हूं, मेरी सेहत अच्छी है या मेरे रिश्ते मधुर हैं, तो क्या ये सब बोलने से ये सब पूरा हो जाएगा, ये सब मुझे मिल जाएगा? हाँ, मुझे याद है और मैंने जवाब दिया था कि हाँ भी और नहीं भी। मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? थोड़ा धीरज रखो, मैं बताता हूँ। पर इस कुत्ते को देखो, कब से शोर मचा रहा है, शायद तुमसे बात कर रहा है। इसकी बात का जवाब दो, देखो क्या कह रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इसकी बात कैसे सुनूं, कैसे समझूं? ये तो बस भौंक रहा है। कोशिश तो करो, शायद काम बन जाए। अरे आप क्या बोले जा रहे हो, वो कुत्ता है, मैं इंसान हूँ, दोनों की भाषाएं अलग हैं। चलो एक काम करो, अपने हाथ से इशारा करो कि वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, करता हूँ। नीचे बैठो, नीचे बैठो। तुमने देखा, उसने तुम्हारी बात मान ली, वो नीचे बैठ गया। लेकिन ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक पालतू कुत्ता है जो कुछ इशारों को समझता है। सभी ऐसा नहीं करते, ध्यान रखना। जी मैं समझता हूँ। क्या अब हम अपनी बात पर वापस आ सकते हैं? किसने कहा हम अपनी बात पर नहीं थे, हम उसी बात को यहाँ समझ रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया को समझो। तुमने कहा कुत्ता भौंक रहा है, तुमने नहीं बोला कि वो कुछ बोल रहा है, क्योंकि तुम उसकी बात को नहीं समझ पाते। इसी तरह हम हर एक ऐसी आवाज को कुछ ना कुछ अलग नाम दे देते हैं, पर बोलना या बात करना नहीं कहते। इस दुनिया में सभी वस्तु, सभी जानवर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, सबकी अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं, और ये सही भी है। ये सही कैसे है? बल्कि मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मुझे लगता है अगर सब एक ही भाषा बोलते तो बहुत कुछ आसान हो सकता था। हम जानवरों की तकलीफ जान पाते और वो हमारी बात समझ पाते तो कितना अच्छा होता। जरा सोचो, पूरे दिन और रात में तुम कितने जानवरों की आवाजें सुनते हो? मुझे ठीक से नहीं पता, पर शायद 10 या 20। नहीं, हम सभी के आसपास हजारों लाखों जीव मौजूद हैं, और उनमें से बहुत से जीवों की आवाजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जरा सोचो, अगर जिन जीवों की आवाजें तुम सुनते हो अगर वो सभी तुम्हें समझ में आने लगे तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि वो किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और अब तुम उन आवाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, और वे बातें तुम्हारे लिए बिना वजह की होंगी, जिनका तुम्हारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए तुम इनसे बचना चाहोगे, दूर भागना चाहोगे, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। तुम इंसानों से दूर भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास उड़ रहे मक्खी मच्छर से कभी दूर नहीं भाग पाओगे, समझे? जी बिल्कुल समझ गया, ये ख्याल तो बहुत ही बेकार था। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया
कि जीव जंतु की भाषा क्यों अलग है, लेकिन ये भी समझ लो कि तुम्हारे अवचेतन मन की भी भाषा अलग है। क्योंकि जैसा अभी बताया कि तुम जानवरों के बोलने से पागल हो जाओगे, ठीक वैसे ही तुम भी तो पूरा दिन ना जाने क्या क्या बोलते हो। अगर तुम्हारा अवचेतन मन सब सुने तो क्या होगा, वो सब कुछ होने लगेगा जो जो तुम बोलोगे। चाहे कोई बात तुमने भूल से ही बोल दी हो, या नींद में बोली हो, या फिर गुस्से से तुम्हारे मुंह से निकली हो। अगर हमारा अवचेतन हमारी भाषा नहीं समझता तो कौन सी भाषा को समझता है? हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को चित्र और भावना के रूप में स्वीकार करता है। तुम जो भी सोचते हो उसका एक चित्र तुम्हारे चेतन मन में बनता है, और वही चित्र अगर किसी तीव्र भावना के साथ जुड़ा हो तो वो तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। जिस तरह किसी दूसरे देश में दाखिल होने के लिए तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसी तरह केवल चित्र या केवल भावना अकेले अवचेतन में प्रवेश नहीं कर सकती, दोनों का एक साथ जुड़ा होना आवश्यक है। आपने कहा कि केवल चित्र और भावना ही अवचेतन में जाती है, तो क्या फिर बोलना बेकार है? फिर तो हमें सिर्फ सोचना चाहिए और महसूस करना चाहिए बस। नहीं, बोलना भी सहयोगी तत्व है, ये भी आवश्यक है। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, और हमारे बोलने पर हमारी भावनाएं भी तीव्र होती हैं। यही वजह है कि हम गुस्से में या बहुत खुशी में बिना बोले नहीं रह पाते। शब्दों का हमारी भावनाओं पर सीधा असर होता है। जरा सोचो, जब हम गाली सुनते हैं या गाली देते हैं तब हमारी भावनाओं में तीव्र परिवर्तन होता है। उसी तरह जब हम प्यार भरी बातें करते हैं तब भी इस परिवर्तन को तुम महसूस कर सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बातें सुनकर मेरी भावना बदल रही है, और आप जो भी बोल रहे थे उसका चित्र मेरे दिमाग में बनता जा रहा था। लेकिन एक सवाल है, क्या बस इतना करने से ही मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जो भी मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मिल जाएगा, या और भी कुछ बाकी है? बाकी तो है, लेकिन उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वो देखो, अपने कुत्ते को मुझे खाना भी खिलाना है, वो कब से भूखा है और इसीलिए वो भौंक रहा था। तो हर एक एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीजें चाहते हैं। बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी जवाब दीजिए, आप वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आइए। अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ। चाय बनने दो, अभी लेकर आता हूँ। बाबा जी क्यों मजाक कर रहे हो, नीचे आ जाओ ना। मेरा ध्यान मत भटकाओ, चाय खराब हो जाएगी। बन जाने दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ चाय बनाने में। क्यों आप झूठ बोल रहे हो, कौन सी चाय बन रही है वहाँ ऊपर? क्यों, ऊपर क्या चाय नहीं बन सकती? बोलो। बन सकती है, पर आपके हाव भाव से लग रहा है कि आप चाय नहीं बना रहे हो। ना आपके पास चाय बनाने के लिए कोई बर्तन है, ना कोई आग है, ना चूल्हा है, ना पानी है, ना दूध है, तो कैसी चाय बना रहे हो आप? ओ, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया कि मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ। इसमें पहचानने जैसा क्या है? कोई छोटा बच्चा भी देखकर बता सकता था कि आप चाय नहीं बना रहे थे। मैं तो फिर भी बड़ा हूँ और समझदार हूँ, मैंने तो पल भर में ही देख लिया था कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, कोई चाय नहीं बना रहे। तुमने कहा, तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। झूठ से एक कहानी याद आई, कहो तो सुनाऊं? जी बिल्कुल सुनाइए। एक बार की बात है, एक नेता था जिसका एक बेटा था, और वो बेटा बहुत अच्छे स्वभाव का था, हमेशा सच बोलता था। वो इतना सच बोलता था कि बहुत बार तो अपने पिता को ही परेशानी में डाल देता था, नेताजी की भी पोल खोल देता था, क्योंकि उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता था, हमेशा सच बोलता था। इस बात से उसके पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी, और मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे भी एक नेता बनाऊँ, पर ये तो गलती से भी झूठ नहीं बोल पाता, इसका सच हमें बर्बाद कर देगा।
एक दिन नेताजी ने अपने एक वफादार सेवक को बुलाया। उस सेवक से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? सेवक ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जो बोले मैं करूँगा। तो हमारे आसपास के गांव में जाओ और देखो कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। जब वो झूठा तुम्हें मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना। मैं चाहता हूँ कि सबसे झूठा व्यक्ति मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखाए। सेवक ने आज्ञा मानी और तलाश में निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद कुछ लोगों ने एक व्यक्ति का पता बताया। सेवक उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम सोहन है। सेवक ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, नेताजी ने तुम्हें एक नौकरी देने का वादा किया है। वो आदमी सेवक के साथ नेताजी के पास आया। नेताजी ने पूछा, कब से झूठ बोल रहे हो? कितने साल का तजुर्बा है? वो आदमी बोला, जी लगभग 499 साल से झूठ बोल रहा हूँ। नेताजी ने कहा, वाह, झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेते हो। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। आदमी ने बोला, जी साहब, मेरा नाम राजू है। सेवक ने कहा, साहब, इससे जब मैंने नाम पूछा था तो इसने मुझे सोहन बताया था, आपको राजू बता रहा है, कितना झूठा है ये। नेता ने कहा, अरे हमें झूठा ही तो चाहिए, तुम एकदम सही आदमी लाए हो, इसे मेरे बेटे के कमरे में भेज दो, आज से रोज ये मेरे बेटे को सफाई से झूठ बोलना सिखाएगा। अब राजू ने उस लड़के को झूठ बोलना सिखाया, खूब अभ्यास कराया। 2-3 महीने में वो लड़का तैयार हो गया। राजू ने कहा, आपका लड़का अब तैयार है, अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। नेताजी ने राजू को एक मोटी रकम दी, लेकिन राजू ने कहा कि साहब, जब भी कुछ बड़ी गड़बड़ हो, आप ये जानना चाहें कि आपका बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो इस पर्चे को खोलकर पढ़ लेना, मैं आपको ये पर्चा दे रहा हूँ, उसको जरूरत पड़ने पर ही खोलना। नेता ने वो पर्चा संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बीते, सब सही चल रहा था, पर एक दिन नेताजी के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। नेता बहुत परेशान हैरान था। उसने देखा बाहर के दरवाजे भी बंद हैं, तो कोई ना कोई घर का ही सदस्य है। उसने घर के सभी लोगों को बुलाया, सभी नौकरों से पूछा, सब ने मना कर दिया। फिर अपने बेटे से पूछा, उसने भी साफ मना कर दिया। नेता और परेशान हो गया कि बाहर से कोई अंदर तो आया नहीं है, ये काम कौन कर सकता है। तभी नेता को राजू की बात याद आ गई। उसने कहा था, जब कुछ गड़बड़ हो तो इस पर्चे को पढ़ना। नेता ने उस कागज को पढ़ा और अपने बेटे से दोबारा पूछताछ करना शुरू कर दिया, क्या ये चोरी तुमने की है? बेटे ने कहा, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, मैंने ये चोरी बिल्कुल नहीं की। नेता ने ये बात सुनी और अपने नौकरों से कहा, इसे पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो अभी के अभी, यही चोर है। ऐसा क्या था उस पर्चे में जो नेता ने एक ही बार में अपने बेटे को पकड़ लिया? उस पर्चे में राजू ने लिखा था, नेताजी आपका लड़का झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उसे लगता था कि झूठ बोलना पाप है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि अगर तुम झूठ बोलते समय अपना एक कान पकड़ोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और इसी से नेता ने अपने लड़के का झूठ पकड़ा। कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई गुरुजी। लेकिन ये केवल कहानी नहीं है, ये आज की सीख है, ये आज का सबक है। सीख है? इसमें मेरे लिए क्या सीख है? सीख ये है कि जिस तरह राजू को मालूम था कि नेता के लड़के का झूठ और सच कैसे जानना है, उसी प्रकार हमारे अवचेतन मन को भी ये मालूम है कि हम कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। जब उसे ये आभास हो जाता है कि हमारा चेतन मन उससे झूठ बोल रहा है, उसे झूठे चित्र दिखा रहा है, झूठी भावना दिखा रहा है, तो वो उस बात को अपने अंदर कभी स्वीकार नहीं करता, और जब स्वीकार ही नहीं करेगा तो तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन धरा का धरा रह जाएगा।
लेकिन अवचेतन मन को कैसे पता चलता है और इससे कैसे बचना होगा गुरुजी? जरा सोचो, जब मैं वहां ऊपर था और तुमसे बोल रहा था कि मैं चाय बना रहा हूँ, तब तुमने अपनी समझदारी से कैसे पहचान लिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो आसान था, आप जैसा बोल रहे थे वैसा कर नहीं रहे थे, ऐसा कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आप चाय बना रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुमने कल मुझसे पूछा था ना कि अगर मैं बोलूं कि मैं अमीर हूं, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे रिश्ते मधुर हैं, तो क्या ऐसा कहने से मेरा काम हो जाएगा, मुझे वो सब मिल जाएगा? ये सवाल तुम्हारा ही था ना? जी गुरुजी, ये सवाल मेरा ही था। देखो, कल तुम्हें मैंने बताया था कि जो भी तुम बोलोगे उसका चित्र और भावना तुम्हारे चेतन मन में बनती है और तुम्हारा अवचेतन मन उसी को समझता है और ग्रहण भी करता है। तो अब परेशानी कहाँ है? परेशानी है झूठ और सच के हेर फेर में। अगर तुम्हारा अवचेतन मन ये आभास कर लेता है कि ये चित्र और भावना झूठी है, तो वो इसको स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी तुम्हारा आज्ञाकारी क्यों ना हो। जैसे तुम मेरी हर बात मान लेते हो, पर आज जब मैंने चाय वाली बात कही तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो करना क्या होगा, ये तो बताइए। जवाब आसान है, जो भी बोलते हो उस वक्त बोलो जिस वक्त उससे जुड़ा हुआ काम कर रहे हो। अगर ये बोलना है कि मैं अमीर हूं, तो कोई व्यापार करते वक्त बोलो, पैसे खर्च करते वक्त बोलो, पैसों का हिसाब लगाते वक्त बोलो, अपने काम पर बैठते वक्त बोलो, तब ये सच प्रतीत होता है। ऊपर जब मैं बोल रहा था मैं चाय बना रहा हूं, अगर मेरे पास आग होती तो तुम मेरा यकीन कर लेते कि मैं सच में चाय ही बना रहा हूं, पर मेरी कथनी और करनी में बहुत अंतर था, इसीलिए तुम मुझे पकड़ पाए। उसी तरह अगर तुम्हें ये बोलना है कि मैं सेहतमंद हूं, तो खाना खाते वक्त बोलो, पानी पीते वक्त बोलो, व्यायाम करते वक्त बोलो, टहलते वक्त बोलो, केवल बिस्तर में पड़े पड़े बोलोगे तो ये काम नहीं करेगा। उसी तरह जब तुम बोलते हो मेरे रिश्ते मधुर हैं, तो उस इंसान से मिलने की तैयारी करते वक्त बोलो, मिलते वक्त बोलो, तस्वीर देखते वक्त बोलो, उसके लिए तोहफा खरीदते हुए बोलो। अगर तुम ऐसा करो तो तुम पाओगे कि अब ये काम तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा सरल हो गया है, क्योंकि तुम दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जब झूठ चलेगा ही नहीं, तो हमें सच ही बोलना पड़ेगा। सब समझ गया गुरुजी, आपने तो आज मुझे चाय की जगह अमृत पिला दिया। लेकिन क्या आप अब भी ये बोलेंगे कि अब भी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए, समझने के लिए? बिल्कुल, अभी बाकी है, कल फिर से चर्चा करेंगे। गुरुजी, अब मैंने आपकी ये बातें समझ ली हैं, जिसमें आपने बताया कि मैं अपने अवचेतन मन को कैसे एक संदेश भेज सकता हूँ, तो मेरा काम तो अब खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, या आगे भी कुछ करना है? आओ कुछ दिखाता हूँ। देखो, ये एक आम का पेड़ है। कहाँ है आम का पेड़, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी वो सूक्ष्म रूप में है, एक बीज के रूप में है, इसलिए तुम नहीं देख पा रहे। मैंने इसे इस जमीन में बोया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई समझ है, कोई सीख है? वो तो मेरी हर बात के पीछे होती है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते। मैंने तुम्हें ये बीज दिखाया, इसके पीछे यही प्रयोजन है कि तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। वो क्या है जो मुझे इस बीज को देखकर समझ में आएगा? चलो बैठकर बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस बीज के लगाने की प्रक्रिया को तुम्हारी जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो तुम अपने क्षेत्र में कहां तक पहुंचे हो? मैं समझ गया गुरुजी, जिस तरह आपने ये बीज बोया है, उसी तरह मैंने भी अपनी इच्छाओं का बीज अपने अवचेतन मन में बो दिया है। यही आपका मतलब है ना? कुछ कुछ यही मतलब था, लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है कि तुमने वो बीज बो दिया है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। पर मैंने तो वो चित्र और भावना अपने अवचेतन में पहुंचा दिए है, तो
तो मेरे हिसाब से तो बीज बोने का काम हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीज बोने के लिए जमीन को खोदा जाता है। अभी बीज केवल तुम्हारे हाथ में है और तुम उसे बोना चाहते हो, लेकिन जमीन को खोदना भी पड़ेगा, यानी कि अपने अवचेतन मन में बार बार घुसने का प्रयास करना होगा ताकि तुम्हारी इच्छाएं सही जगह तक पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, और भी बातें हैं जिनको सीखना है, समझना है। इसके बाद भी करना होगा? इसके बाद क्या करना है? मैंने तो सुना है कि एक बार अवचेतन में कोई भी इच्छा पहुंच जाए तो उसके बाद सारा काम ब्रह्मांड करता है। बहुत अच्छे, और तुम क्या करोगे? सब कुछ होने का इंतजार। और तुम क्या करोगे? सब कुछ होने का इंतजार करोगे, सिर्फ आराम करोगे और सारा काम कुदरत पर छोड़ दोगे। वाह, क्या बात है। मैंने तो अब तक ऐसा ही सीखा है, वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर और बहुत से कोर्स में भी ऐसा ही है। अगर मैं तुम्हारे सामने दो नींबू रखूं और कहूं एक नींबू तुम्हें चुनना है, दोनों ही नींबू तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, दोनों ही नींबू जादुई हैं, तो कौन सा चुनोगे? लेकिन ये तो बताइए कि दोनों में क्या फर्क है, किसको कैसे इस्तेमाल करना है? बिल्कुल सही सवाल पूछा, जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद भी थी। तो सुनो, पहले नींबू को रोज हाथ में लेकर अपने घर के 7 चक्कर लगाने हैं। ऐसा रोज 7 दिन तक करना है। लेकिन दूसरे नींबू को केवल घर के एक कोने में रखना है, सभी काम अपने आप होने लगेंगे। अब बताओ कौन सा नींबू सही लगा? जवाब तो बड़ा ही सरल है, दूसरा नींबू ही चुनूंगा, और मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे ही चुनता। इसका मतलब ये है कि दूसरे नींबू के ग्राहक ज्यादा हैं, सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए वही चीज बिक रही है जिसके ग्राहक ज्यादा हैं, इसलिए लोग इस सब से अपनी दुकानें चला रहे हैं। इसीलिए तुम जगह जगह पर देखोगे कि लोग एक दिन में जिंदगी बदलने का दावा कर रहे हैं, और कुछ एक मिनट में, और लोग 2 महीने वाले को छोड़कर 21 दिन वाले के पास जाते हैं, फिर 21 दिन वाले को छोड़कर 1 दिन वाले के पास जाते हैं, और फिर उसे भी छोड़ देते हैं, उसके बाद 1 मिनट वाले के पास जाते हैं जो उनकी जिंदगी 1 मिनट में बदल दे। पुराने जमाने में एक गुरु के पास अगर कोई शिष्य जाता था तो उसे ये बोलने में बहुत संकोच होता था, बहुत मुश्किल होती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन आज इस वाक्य का कोई मोल नहीं रहा। आज कोई भी इस वाक्य का इस्तेमाल करके अपनी दुकान चला रहा है, और ग्राहकों की कमी नहीं है। किस्मत को खरीदने वाले ग्राहक केवल खरीदारी से पहले 2 ही चीजें देखते हैं। पहला, हमें कुछ ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, कितनी जल्दी किस्मत बदलेगी। जो भी उन्हें सही समय और आसान काम बताता है, लोग उसी को सराखों पर बिठा लेते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो एक बीज को केवल जमीन पर फेंक कर बोलते हैं कि अब हमें केवल इंतजार करना है। अब प्रकृति उस बीज को एक पेड़ के रूप में परिवर्तित कर देगी और हम पहुंच जाएंगे फल खाने के लिए। ध्यान रखना, ये एक बेवकूफ किसान की निशानी है। एक समझदार किसान कभी भी ऐसा नहीं करता, और तुम्हें भी एक समझदार किसान ही बनना है। तुम्हें उसके ही तरीके सीखने होंगे, तभी एक ऐसे वृक्ष की उम्मीद लगाना जिसका आज तुम सपना देखते हो। तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले तो उस जाल से बचना है जो तुम्हें लुभाता है। लेकिन ध्यान रखना, वो एक जाल है जो ऐसे लोगों ने रचा है जो केवल तुम्हें सपने दिखाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। और अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, जिसमें तुम्हें अपना दिल और दिमाग पूरी तरह खुला रखना है। कल हम आगे के नियमों पर चर्चा करेंगे। गुरुजी, अब मैं आपकी बताई हुई सभी बातों पर अमल कर रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ और ज्ञान दें। अब तक मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो गरीबों वाला दिमाग रखते हैं, हमेशा रोना धोना करते रहते हैं। इनसे दूर होना चाहता हूँ, क्या करूँ? इंसान को उसकी मानसिकता उसके जन्म, धर्म और कर्म से मिलती है। वो कैसे गुरुजी? सबसे पहले हमारी मानसिकता हमारे जन्म पर निर्भर करती है, यानी कि जिस घर में हम जन्म लेते हैं वहाँ रहने वाले लोग, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची,
आस पड़ोस के लोग हमारी मानसिकता बना देते हैं, क्योंकि हम इन्हें देखकर ही बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। इसलिए हमारा दिमाग उनके प्रति ज्यादा आज्ञाकारी होता है। सच तो ये है कि कोई और माध्यम भी नहीं होता कि हम किसी और से कुछ सीखें। इसीलिए हम अपने आसपास के लोगों को देखकर ही अपनी धारणाएं बना लेते हैं। उसके बाद आता है धर्म। हमारे बड़ा होने पर ही हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको हमारे गुरु और हमारे बड़े दे देते हैं। मनुष्य जिस भी धर्म पर चलता है उसी तरह की मानसिकता का बन जाता है, क्योंकि हमें हर एक धर्म में यही बताया जाता है कि हमें किसकी तरह बनना है। केवल फर्क इतना है कि कुछ धर्म में चुनने के लिए बहुत से विकल्प हैं, लेकिन कुछ में बहुत कम है। लेकिन लगातार ये बात हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है कि हमें किसी देवता या किसी महापुरुष के जैसा बनना ही है, और साथ में ये भी बताया जाता है कि हमें कैसा नहीं बनना है। इसीलिए धर्मों के आधार पर हमें बुरे लोगों की भी कहानियां लगातार सुनाई जाती हैं। तो हमारी मानसिकता हमें विरासत में मिले धर्म से सीधे प्रभावित होती है। उसके बाद आखिर में आता है हमारा कर्म। एक व्यक्ति जिस तरह का काम करता है उसी तरह की सोच भी उसकी बन जाती है। जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं उनको लगता है कि वो बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते। जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उनको लगता है कि ये सही रास्ता है। जो लोग कम मेहनत करते हैं, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, वे सोचते हैं कि बाकी सब ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ध्यान रखना, यहाँ मैं केवल लोगों की मानसिकता पर बात कर रहा हूँ, किसी मानसिकता को गलत या सही नहीं कह रहा, क्योंकि हर तरह की मानसिकता एक दूसरे की विरोधी होती है। मेरे लिए मेरी मानसिकता सही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी सही है। इसी तरह हर एक इंसान की अलग मानसिकता है। लेकिन गुरुजी, मैं ऐसे लोगों से क्यों घिरा हूँ जो छोटी सोच रखते हैं, कभी भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते, हमेशा दो दो रुपए के पीछे लड़ते हैं, ऐसी गरीबी वाली मानसिकता रखते हैं। ये तो सच में चिंता का कारण है। इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा, पर पहले कुछ खाते हैं, तभी कुछ अच्छे विचार आएंगे। पास में ही एक फल का बगीचा है, वहाँ चलें, क्या कहते हो? जी बिल्कुल, चलिए गुरुजी। देखो कितने सुंदर पेड़ हैं, मौसम भी कितना अच्छा है, चलो सेब खाते हैं। मेरा एक मित्र यहाँ सेब की खेती करता है, उससे भी मिला जाए। क्या हाल है भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? जी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये तीन जगह पर अलग अलग सेब क्यों रखे हैं? सबको एक साथ क्यों नहीं रखा आपने? ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी। क्यों नहीं कर सकते, ये बात हम दोनों को बताइए। आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए छोटे सेब हैं और सही पके नहीं हैं, उन सेबों को मैं अलग रखता हूँ। उसके बाद जो सेब पूरी तरह पक गए हैं लेकिन उनका आकार सही नहीं है या उनमें कोई दाग है, उन्हें यहाँ रखा है। और आखिर में ये वो सेब हैं जिनमें कोई कमी नहीं है, ये आकार में बहुत बड़े हैं, दिखने में सुंदर हैं, साफ हैं। आप तो जानते हैं हर एक सेब के अलग अलग दाम होते हैं, कुछ बड़ी दुकानों में जाएंगे, कुछ छोटी दुकानों में जाएंगे। बिल्कुल समझ गया, ये तरीका सही है। क्या हमें कुछ अच्छे सेब मिल सकते हैं? हम दोनों को भूख लगी है। जी बिल्कुल, आप ले जाइए। बाबा कुछ समझ में नहीं आया, आपको इतना ज्ञान है फिर भी आपने वहाँ इस तरह का सवाल उस माली से पूछा। ये तो सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हर फल को उसकी खूबसूरती और आकार के हिसाब से अलग अलग जगह रखा जाता है, क्या आपको मालूम नहीं था? मुझे तो मालूम था, लेकिन आज का सबक भी तो सिखाना था। बताइए क्या सबक है आज का? अभी तुमने देखा सेबों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखा जा रहा था, और ऐसे ही रखा भी जाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे गुणों के आधार पर कुदरत हमें अलग अलग श्रेणी में रखती है। जैसी मानसिकता हमारी होती है, जैसे कर्म हमारे होते हैं, हमें वैसे ही लोगों के साथ रखा जाता है। आप कहना चाहते हैं कि मेरी मानसिकता ठीक नहीं है? बिल्कुल, तुम ऐसा समझ सकते हो। जो मानसिकता हमें हमारे जन्म, धर्म और कर्म से मिलती है,
उसे बदलने पर हम अपनी इस फल की टोकरी से दूसरी फल की टोकरी में छलांग लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ ये मानना सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों में कमी नहीं है बल्कि हमारे भीतर है, लेकिन इसे स्वीकार भी करना होगा। अगर तुम आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ही चल रहे हो तो पूरी तरह चलो। मैं कुछ समझा नहीं, पूरी तरह कैसे चलूं? जब तुम ये बोलते हो कि मेरे आसपास के लोग सही नहीं है, उनकी मानसिकता सही नहीं है, तो ध्यान रखो वे लोग अपने आप तुम तक नहीं आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तुमने ही आकर्षित किया है। प्रकृति के अनुसार कुछ भी अचानक या बेवजह नहीं होता, इसीलिए इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी इस तरह के लोगों से मुक्त हो पाओगे। जरा सोचो, क्या कभी भेड़ों को शेर के साथ रखा जाता है? क्या कभी लोहे को सोने के साथ रखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रकृति का भी नियम है और हम मनुष्य का भी तरीका है। अपनी मानसिकता पर गौर करो, तब तुम पाओगे हमारे आसपास के लोग और उनका व्यवहार हमारी ही मानसिकता का प्रतिबिंब है। हमें ये बात इसीलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम अपने चेतन मन में ये भावना खोजते हैं, ये कमियां खोजते हैं, लेकिन ये सभी बुरी मानसिकताएं हमारे अवचेतन मन में मौजूद हैं, जिनको अगर तुम देखना चाहते हो तो दो ही मार्ग हैं, या तो अवचेतन में खोजने का प्रयास करो या बाहर आसपास लोगों को देखो। अगर तुम्हें बुरे लोगों के साथ कुदरत ने रखा हुआ है तो अभी तुम अपने अंदर की पूरी बुराई को नहीं मिटा पाए, उसे पूरी तरह त्याग नहीं पाए हो। अगर तुम्हारा वास्ता गरीब लोगों से पड़ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारी मानसिकता अभी एक अमीर व्यक्ति की नहीं है। तुमने ये तो सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार इसका विपरीत है। जैसे तुम हो वैसे ही लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे। समय निकालकर सोचना कि जो लोग आज तुम्हारे आसपास हैं वो हमेशा से नहीं थे। पहले और लोग थे, अब कुछ और लोग हैं, आगे कोई और लोग होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक सेब अपने आप को बदल नहीं सकता, लेकिन इंसान अपने आप को बदल सकता है। इसे समझो और स्वीकार करो। अगर हमारा चेहरा गंदा हो तो हमें अपना चेहरा धोना होता है, सामने लगा हुआ दर्पण नहीं धोना होता। जी गुरुजी, समझ आ गया। अब आप बताते जाइए कि कहां कहां सुधार करना है। मैं तुम्हें बताता जाऊंगा और तुम उस पर अमल करते जाओ, फिर तुम देखोगे कि सब कुछ बदलने लगा है। कल दोबारा से आना, आगे के नियमों पर चर्चा करेंगे। तो हर एक एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीजें चाहते हैं। गुरुजी, मन में जो विचार आते हैं उनका क्या करूं? हजारों नकारात्मक विचार मुझे रोज घेरे रखते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं उनको हटाने की, लेकिन हटते ही नहीं। क्या करूं, कुछ तो बताओ। जिन्हें तुम नकारात्मक विचार बोल रहे हो वो असल में तुम्हारे सकारात्मक विचारों के लिए एक रक्षक हैं। नकारात्मक विचार यदि ना हो तो तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे। ये क्या बात हुई, नकारात्मक विचार अच्छे हैं? नकारात्मकता तो नकारात्मकता है, जब इसका नाम ही नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सकारात्मकता की रक्षक है? बिल्कुल, मैं ये तुम्हें बताऊंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि नकारात्मकता क्या होती है? अगर मैं समझ पाऊं कि असल में नकारात्मकता क्या है तो इसका समाधान खोजना भी आसान हो जाएगा। गुरुजी, नकारात्मकता होती है बुरी चीज? मैंने ये नहीं पूछा कि वो कैसी है, मैंने पूछा कि वो क्या है। गुरुजी, मेरे ख्याल से तो नकारात्मकता का अर्थ है बुरा। अच्छा, तो बुरा क्या है ये तो बता दो। आप मुझे क्यों उलझा रहे हो गुरुजी? मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा बल्कि सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जवाब देने की कोशिश तो करो। गुरुजी, बुरा होता है गलत, यही मेरा उत्तर है। बहुत अच्छे, और गलत किसे कहते हैं? गलत तो नकारात्मकता को ही कहते हैं। क्या तुम्हें एक जादुई कुएं के बारे में मालूम है जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है? क्या तुम वहां जाना चाहोगे? जी बिल्कुल जाना चाहूंगा। कहाँ है ये कुआ? वो कुआ एक जादुई पेड़ के पास है। और वो जादुई पेड़ कहाँ है ये तो बताइए। वो जादुई पेड़ उस जादुई कुएं के पास है। ये कैसी पहेली है,
गुरुजी आप ये बताइए कि ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आसपास हैं। वाह गुरुजी वाह, क्या सटीक पता बताया आपने। मैं शायद पूरी जिंदगी में भी उसे नहीं खोज पाऊंगा। अरे यही काम तो तुम कर रहे हो। तुम कहते हो नकारात्मकता का मतलब बुरा है और बुरे का अर्थ गलत है, फिर कहते हो गलत का मतलब नकारात्मकता है। अगर ऐसे शत्रु से लड़ने की योजना बना रहे हो जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो हारना निश्चित है। समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन आप बताइए कि असल में नकारात्मकता क्या है? मैं आज तुम्हें नकारात्मकता, बुरा और गलत इन सभी का अर्थ समझा देता हूँ, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि लाभदायक है। जी बताइए, मैं सुनने के लिए समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक तारीख आने वाली है तो तुम कैसा महसूस करोगे? तुम इस वाक्य को क्या कहोगे, नकारात्मकता या सकारात्मकता? इसमें सकारात्मक और नकारात्मक जैसा कुछ भी नहीं है गुरुजी, ये तो बस एक विचार है। तो अभी इसको सकारात्मक बनाते हैं। जरा सोचो, तुम्हारी तनख्वाह एक तारीख को मिलती है और तुम्हारे दिमाग में ये विचार आता है कि एक तारीख आने वाली है, तब ये विचार क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक? जी अब तो ये विचार सकारात्मक है, मुझे ये सोचने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। होना भी चाहिए, आखिरकार हर नौकरी करने वाला व्यक्ति इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी करता है। लेकिन परिस्थिति को थोड़ा बदल कर देखते हैं। अगर तुमने कोई कर्जा ले रखा है जिसकी किस्त एक तारीख को चुकानी होती है, या तुम्हें वो कर्जा एक तारीख को पूरा चुकाना है, तब दिमाग में आए कि एक तारीख आने वाली है, तो ये विचार एक नकारात्मक विचार होगा। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। इसे सोचकर मन उदास हो गया, परेशान हो गया, घबराहट होने लगी। ये तो एक नकारात्मक विचार ही है। लेकिन मैंने विचार को नहीं बदला, मैंने दोनों बार कहा एक तारीख आने वाली है। क्या मैंने कहा दो या तीन तारीख? नहीं, मैंने हर बार एक ही तारीख बोली, मैंने हर बार एक ही बात दोहराई है, लेकिन हर बार ये विचार अलग ही मालूम पड़ा। सोचो अगर विचार नहीं बदला तो क्या बदला? ये विचार एक बार सकारात्मक था और दूसरी बार यही विचार नकारात्मक बन जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जहां तक मैं जान पाया गुरुजी, विचार और शब्द नहीं बदले, केवल परिस्थिति बदल गई है जिससे ये नेगेटिव और पॉजिटिव दिखता है। बिल्कुल सही समझे, परिस्थिति का अंतर है। लेकिन अगर इसको और गहराई से देखें तो सोचो हमें कैसे मालूम चला कि कब ये विचार सकारात्मक है और कब ये विचार नकारात्मक था? इसका जवाब देना तो मेरे लिए मुश्किल है गुरुजी। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, बल्कि तुम ये जवाब पहले से ही दे चुके हो। तुमने कहा कि ये विचार सकारात्मक है, उस वक्त तुमने खुशी का अनुभव किया था, लेकिन जब तुमने कहा कि ये विचार नकारात्मक लगा तो तुमने कहा कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, मुझे परेशानी हुई, मुझे घबराहट हुई, मैं उदास हो गया। जी गुरुजी सही कहा, पर अर्थ क्या है? सीधा अर्थ ये है कि जो तुम चाहते हो अगर वैसा नहीं होता, वो ही विचार, वो ही वस्तु, वही इंसान नकारात्मक है, बुरा है, गलत है। अगर हमारे मन मुताबिक हो तो सब कुछ सकारात्मक है, और अगर इसके विपरीत हो तो नकारात्मक है। आपने बोला विचार, वस्तु, इंसान, कोई वस्तु या इंसान कैसे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है? मुझे बताइए, इसको भी समझो जरा। एक व्यक्ति अपने घर के सामने एक बाड़ लगा रहा है अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक चोर उस आदमी के घर में घुसकर चोरी करना चाहता है। अब जरा देखो, यहाँ एक बाड़ एक वस्तु है, लेकिन सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी पता चल रही है। जानते हो कैसे? जी मालूम है, उस घर के मालिक के लिए वो बाड़ सकारात्मक है और चोर के लिए नकारात्मक वस्तु है, क्योंकि उसे अब चोरी करने में परेशानी होगी। बहुत खूब। अब सोचो कि दोनों के मन में एक विचार आया कि एक आंधी उस बाड़ को तोड़ रही है, तो तुम अब जानते हो कि घर के मालिक के लिए ये बात कितनी परेशानी वाली होगी और चोर के चेहरे पर कितनी खुशी होगी। इसीलिए ध्यान रखना,
ना तो सकारात्मकता स्थायी है और ना ही नकारात्मकता स्थायी है। इसीलिए तुम्हारे अवचेतन मन को और ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक विचार तुम्हारे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। वो दोनों विचारों को सामान्य रूप से देखता है और ग्रहण भी करता है। लेकिन गुरुजी, मेरे दिमाग में अब भी तीन विचार चल रहे हैं, तीन सवाल अब भी आपको बताने हैं। पहला सवाल ये है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, उसे भी कुदरत सब कुछ दे रही है, ऐसा क्यों है? बुरा व्यक्ति तो बुरा ही है, वो बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है, तो कुदरत उसका साथ क्यों दे रही है? ये नियम समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई विचार दिमाग में बार बार आ रहा है तो उसे कैसे हटाएं? इसका कोई तरीका भी तो होगा। और तीसरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि नकारात्मकता सकारात्मकता की रक्षक है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। तुम्हारे ये तीनों सवाल बिल्कुल सही है। पहला सवाल ये कि अगर कोई बुरा है तो प्रकृति उसका साथ क्यों देती है। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई नकारात्मक ख्याल दिमाग में आए तो उसे कैसे हटाएं। और तीसरा सवाल बड़ा मजेदार सवाल था कि नकारात्मकता सकारात्मकता की रक्षा कैसे करती है। यही तीन सवाल तुम्हें व्याकुल कर रहे थे, है ना? जी गुरु जी, इनका उत्तर दीजिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसी एक कहानी में तुम्हारे तीनों सवालों का उत्तर है। सिर्फ एक कहानी से तीन सवालों का उत्तर मिल जाएगा, तो जल्दी सुनाइए गुरुजी। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जिसने भी ज्ञान को हासिल करने में जल्दबाजी दिखाई है, उसे ज्ञान पाने में उतना ही ज्यादा समय लगा है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, ध्यान बिना ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। एक बार की बात है, तीन तोते थे जो अलग अलग जंगल में रहा करते थे। एक बार तीनों ने ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया। ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और तीनों से उनकी परेशानी पूछी। पहले तोते ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ठीक से सो नहीं पाता, बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। ईश्वर ने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा है? तोता बोला, प्रभु, मैं हरे तोतों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हम सब की आवाज बहुत मीठी है, मधुर है, पर जब रोज सुबह हरे तोते यहाँ पर आके शोर मचाते हैं, बात करते हैं, तो उनकी बेसुरी आवाज मुझसे सहन नहीं होती और मैं ना तो आराम कर पाता हूँ, ना ही कोई काम कर पाता हूँ। ईश्वर ने कहा, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तोते ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप इस दुनिया से हरे तोतों को समाप्त कर दीजिए, सबको मार दीजिए, तब मैं सुकून से जी पाऊंगा। ईश्वर ने कहा, कल मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। अब ईश्वर ने दूसरे तोते की प्रार्थना सुनी, उससे कहा, तुम्हारी क्या परेशानी है बताओ। वो तोता बोला, मैंने कभी भी पेट भर के भोजन नहीं किया। ईश्वर ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने तो किसी भी जीव के लिए खाने की कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर तुम क्यों भूखे हो? तोते ने कहा, हे प्रभु, मेरे सामने खाना पड़ा होता है, पर जब मैं खाना खाने जाता हूँ तब मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई मेरा शिकार कर रहा है और मैं खाना नहीं खा पाता, वहां से उड़ जाता हूँ। इसीलिए आज तक सही से सुकून से मैं खाना नहीं खा पाया। ईश्वर ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? तोता बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये वरदान दें कि मैं बिना खाए पिए जीवित रह सकूं। ईश्वर ने कहा, कल तुम्हारी परेशानी का समाधान हो जाएगा। अब ईश्वर ने तीसरे तोते की बात सुनी। तोते ने कहा, प्रभु, मैं परेशान हूँ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जहाँ भी खाना खाता हूँ, वहाँ शिकारी के हाथ हमेशा फंस ही जाता हूँ। मुझे कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि कोई मेरा शिकार भी कर लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा। इसीलिए अब तक कई सौ बार मैं पकड़ा जा चुका हूँ और जगह जगह पर बेचा जा चुका हूँ। ईश्वर ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? तीसरा तोता बोला, मैं चाहता हूँ आप सभी शिकारियों को अंधा कर दो, ताकि वो मुझे कभी देख ना पाए। ईश्वर ने कहा, कल तुम्हारी परेशानी का समाधान हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि ईश्वर अगर उनकी बातें माने तो उनका तो शायद भला हो जाए, लेकिन प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ होगी और बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी भी होगी। लेकिन ईश्वर को उनकी परेशानी भी दूर करनी थी। तो अब ध्यान से सुनो कि ईश्वर ने क्या किया। पहले तोते की परेशानी थी
कि उसको हरे तोतों की आवाज कभी पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा उनसे नफरत करता आया था। ईश्वर ने उस तोते को हरा बना दिया। अब वो तोता हरे तोतों को भी पसंद करने लगा, क्योंकि उसकी खुद की आवाज अब हरे तोतों की तरह थी। अब उसे वो आवाज मधुर लगने लगी जो कभी उसे परेशान किया करती थी। अब वो बहुत खुश था, उसकी परेशानी का समाधान हो चुका था। अब बारी आई दूसरे तोते की, जो इतना डरपोक था कि कभी खाना सही से खा नहीं पाया था। और तीसरा तोता था जो हमेशा पकड़ा जाता था, बेफिक्र था, लापरवाह था। ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे का दोस्त बना दिया और कहा, अब से तुम सभी काम एक साथ करोगे। इससे उन दोनों की परेशानी दूर हो गई। परेशानी दूर हो गई, वो कैसे गुरुजी? दूसरा तोता हमेशा डरता था, पर तीसरा तोता कभी नहीं डरता था। तो जब डरपोक तोता दाना खाने से डरता था, तब उसका दोस्त तोता उसे हौसला देता था और वो हिम्मत करके पेट भर खाना खाता था। और जब वो लापरवाह तोता बेफिक्र होके खाना खाने में लगा रहता था, ऐसा काम करता था जिसमें जोखिम होता है, तो डरपोक तोता उसे खतरे का आभास करा देता था। इसी तरह दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने लगे और उनको उनकी परेशानी का समाधान मिल गया। गुरुजी कहानी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे बताइए कि इनमें मेरे तीनों सवालों का जवाब कहाँ है? इस सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले एपिसोड से शुरू करें, तभी आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। देखो, तुम्हारा पहला सवाल था कि प्रकृति बुरे लोगों का साथ भी क्यों देती है, उन्हें सब कुछ क्यों मिलता है, प्रकृति ऐसा क्यों करती है। जी गुरुजी, इसका उत्तर दीजिए। इस कहानी में जो पहला तोता है, वही तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर है। वो कैसे गुरुजी? पहले तोते को हरे तोते पसंद नहीं थे, वो उनसे परेशान रहता था, उनसे घृणा करता था। लेकिन जब वो भी हरा बन गया, तो उसमें प्रेम की भावना आ गई। अब वो हरे तोतों से प्रेम करता है, क्योंकि वो स्वयं हरा है। क्योंकि अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम किस तरफ से देखते हो। सोचो कि एक सैनिक है जिसने 10 लोगों को मार दिया है, जो हमारे देश के दुश्मन थे। तो हमारे लिए वो सैनिक अच्छा है और वो 10 लोग बुरे हैं। लेकिन यदि हम उन 10 लोगों के देश में होते, तो वही 10 लोग हमारे लिए अच्छे होते और वो सैनिक हमारे लिए बुरा होता। लेकिन प्रकृति किसी देश या धर्म को नहीं देखती, वो सबको एक समान समझती है। अगर तुम्हारी जेब से 500 रुपए गिर जाए, तो तुम्हारे लिए ये एक बुरी बात होगी, लेकिन जिसे वो मिलेंगे उसके लिए वो एक अच्छी बात है। बस ये समझ लो, जो तुम्हारे हिसाब से होता है वो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे हिसाब से अलग है वो गलत है। तो कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है, और ना ही अच्छा या बुरा है, और ना ही सही या गलत। सोचो, तुम्हारे एक तरफ ठंडा पानी है और एक तरफ आग है। अगर गर्मी है तो आग तुम्हें बुरी लगेगी और ठंडा पानी अच्छा लगेगा, लेकिन सर्दियों में वही आग तुम्हें पसंद आएगी और ठंडा पानी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रकृति भी सभी की अहमियत को समझती है, इसीलिए सभी का पालन पोषण करती है। यदि तुम्हारे सामने एक शेर एक खरगोश का शिकार करे, तो तुम्हारे लिए वो शेर इसलिए बुरा होगा क्योंकि तुम्हें खरगोश पसंद है। लेकिन प्रकृति की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, उसके लिए खरगोश और शेर दोनों बराबर हैं। जी गुरुजी, समझ गया, अब मेरे विचार खुल गए हैं और अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अब दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मेरी कहानी में जो दूसरा और तीसरा कबूतर था, वो तुम्हारे दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब है। ऐसा कैसे गुरुजी, बताइए। जो डरपोक तोता था, उसे तुम अपनी भाषा में नेगेटिव या नकारात्मक कह सकते हो, और दूसरे को सकारात्मक या पॉजिटिव बोल सकते हो। जब तुम्हारे दिमाग में गलत ख्याल आए, तुम परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो, उदास हो जाते हो। ये परेशानी भी ठीक वैसी है जैसी उस नकारात्मक तोते की थी। वो इतना डरपोक था
कि ठीक से कभी खाना भी नहीं खा पाता था, लेकिन पॉजिटिव तोते ने उसको हिम्मत दी और वो ठीक से खाना खाने लगा। उसी तरह जब भी तुम्हारे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आए तो ध्यान रखना, उसे एक सकारात्मक विचार ही शांत कर सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। हमारे विचारों का खेल पूरी तरह तर्क और वितर्क पर आधारित है। गुरु जी, ये करना कैसे है, मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, पहले ये बताओ कि ऐसा कौन सा नकारात्मक विचार है जो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है। गुरु जी, विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक विचार ज्यादातर आता है। जब मैं कुछ भी पाना चाहता हूँ तो एक विचार तो ये बोलता है कि ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, दूसरा विचार बोलता है कि ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। इसका क्या करूँ? ये विचार ऐसे ही नहीं आ रहा। इसका मकसद है तुम्हें बताना कि तुम्हारी तैयारी में कोई कमी है। तुम ये समझो जैसे इन दो विचारों के बीच एक बहस छिड़ी हो और आखिर में एक ही जीतेगा, या तो तुम्हारा नकारात्मक विचार या तुम्हारा सकारात्मक विचार। क्योंकि ध्यान रखना, किसी भी विचार को तुम तभी शांत कर सकते हो जब उसे तुम एक सही तर्क दो, नहीं तो वो हमेशा बना रहेगा। अक्सर लोग अपने विचारों को ज्ञान या ध्यान से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें कुछ देर तो विचारों से शांति मिल जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो विचार वापस आकर खड़े हो जाते हैं। सही तरीका है उसे तर्क दो। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, तो ये गलत नहीं है, ये सच है। तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम्हारा ये विचार जो कहता है कि तुम्हें ये मिलेगा, वो खोखला है, तर्कहीन है। तुम्हारे ये नकारात्मक विचार और कुछ नहीं बल्कि संदेह है, ये एक शक है। जब तुम इस संदेह को दूर करोगे तब इस विचार से मुक्ति पा सकोगे। मनुष्य अपने इस तरह के विचारों से ऐसे ही छूटता आया है। मनुष्य जब आदिकाल में सोता था तब ये विचार आता था कि कोई जानवर उन पर हमला ना करे, तो उन्होंने मकानों का निर्माण किया। फिर ये नकारात्मक विचार आया कि कहीं आंधी तूफान घर को तोड़ ना दे, इसीलिए घरों को और भी मजबूत बनाया, और इसके चलते चोरों से बचने के लिए दरवाजों पर ताले भी लगाए। ये सब इसीलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को पक्के तौर पर समझाया है। अगर कोई व्यक्ति सोते वक्त ये सोचने का प्रयास करे कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला नहीं करेगा, आराम से सो जाओ, तो इस खोखले तर्क से वो कभी भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका नकारात्मक ख्याल इस बात से शांत नहीं होगा। जब उसने नकारात्मक विचार से कहा कि कोई जानवर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैं एक सुरक्षित घर में हूँ, तब जाकर वो विचार शांत हो पाया। जरा सोचो, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा घर अकेला है, तो तुम्हें ये विचार क्यों नहीं आ रहा कि कोई तुम्हारे घर में चोरी कर लेगा? गुरुजी, मेरा मकान बहुत मजबूत है और मैं उस पर ताला भी लगा कर आया हूँ, चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने कहा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तब पैदा होता जब तुम ताला नहीं लगाते, सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ध्यान रखना, जिसे तुम नकारात्मक विचार बोल रहे हो वो भी एक सवाल है, और सवाल तब पैदा होता है जब तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ होती है, तैयारी में कोई कमी होती है। अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को इतना तैयार कर लो कि अगर तुमसे कोई बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम जवाब में बोल पाओ कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ गया गुरुजी, सब पानी की तरह साफ हो गया। अभी तो तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब भी चाहिए, है ना? जी गुरुजी, आपने कहा था नकारात्मकता सकारात्मकता की रक्षक है, ऐसा कैसे है? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, अभी मैंने बताया कि मनुष्य के दिमाग में नकारात्मक ख्याल आया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए घर का निर्माण किया, हथियार बनाए। उसी प्रकार आज भी तुम अगर देखो
तो तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके जरिए तुम सकारात्मकता और नकारात्मकता को देख सकते हो जो आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तुम एक साइकिल को देखो, किसी इंसान की सकारात्मक सोच ने ही इसका निर्माण किया है, परंतु इस साइकिल को रोकने वाले ब्रेक्स उसकी नकारात्मकता का परिणाम है। एक हवाई जहाज को देखो, कितनी सकारात्मक सोच है, इतना भारी धातु लोगों को लेकर आज आसमान में उड़ रहा है, लेकिन उसके साथ पैराशूट का निर्माण हुआ जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण को भी दिखाता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में रखा हुआ एक गैस का सिलेंडर कितना घातक हथियार है? ये किसी सकारात्मक सोच की वजह से ही तुम्हारे पास है, लेकिन उसके साथ जो गंध, जो दुर्गंध उस गैस में मिलाई जाती है और जो सुरक्षा की वस्तुएं उसके साथ लगी होती हैं, वो सभी नकारात्मक विचार की ही देन है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिर्फ सकारात्मकता पर चलोगे तो सावधानी को छोड़ दोगे और उस तीसरे तोते की तरह ही बार बार जाल में फंसते जाओगे। तो सही तरीका है कि उस दूसरे तोते को भी अपना दोस्त बना लो और संतुलित सोचो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज केवल सकारात्मकता से नहीं बनाई गई है, उसके साथ तुम्हें नकारात्मकता का भी बेमिसाल योगदान देखने को मिलता रहेगा। चाहे तुम्हारे घर की बिजली की तार हो या तुम्हारी जेब में रखा हुआ पेन। गुरुजी, सब समझ में आ गया, तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया है। और वो क्या है? गुरुजी, आपने एक बात बोली थी कि लोग विचारों से मुक्ति ध्यान से पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिर्फ कुछ देर तक विचारों को हटाता है, तो क्या आप ध्यान के बारे में मुझे थोड़ा और बता सकते हैं? मैं तुम्हें ध्यान के बारे में बताऊंगा और तुम्हें असली ध्यान भी सिखाऊंगा। गुरुजी, मुझे ध्यान करना सिखाइए, मुझे इसको बहुत अच्छे से सीखना है। ध्यान को सीखना पहला चरण नहीं है, ये तुम्हारा पहला सवाल नहीं होना चाहिए कि ध्यान कैसे करना है, बल्कि पहला सवाल तो ये है कि ध्यान असल में क्या है। ऐसा क्यों गुरुजी? दुनिया की हर एक क्रिया को करने के लिए हमेशा तीन सवाल याद रखना और इनको सही क्रम में ही इस्तेमाल करना। पहला है क्या, दूसरा है क्यों, और तीसरा है कैसे। लेकिन मनुष्य अक्सर इन सवालों को अपनी जिंदगी में एक गलत क्रम में इस्तेमाल करता आया है, और यही कारण है कि 100 में से 95 काम असफल हो जाते हैं। अक्सर मनुष्य जिस भी काम या क्रिया का नाम सुनता है, उसका पहला सवाल ये होता है कि मैं कैसे करूं, जबकि पहला सवाल है वो काम असल में है क्या। फिर उसका सवाल ये होना चाहिए कि ये काम मेरे लिए क्यों है या क्यों नहीं है। जब ये दो उत्तर उसे सही लगें, तब सवाल होगा कैसे करना है। जब कोई व्यक्ति किसी तरह के बिजनेस के बारे में सुनता है, तो उसे करने का तरीका खोज लेता है और उसे करने भी लगता है। फिर उसे अपने नुकसान के बारे में समझ आती है कि ये बिजनेस क्या है, और आखिर में बोलता है कि मुझे ये क्यों करना है। ये पूरा क्रम यहाँ बिगड़ गया, पहले स्थान पर कैसे आ गया, दूसरे स्थान पर क्या आ गया, और तीसरे स्थान पर क्यों आ गया। ध्यान रखना, जब भी ये क्रम गलत होगा, वहाँ काम खराब ही होगा। तो हमेशा क्रम से चलो। अगर हर काम को बिना किसी गलती के करना चाहते हो, तो इस तरह ही चलना होगा। जी गुरुजी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ बड़ा ही सरल है, लेकिन हमने इसको खुद बहुत मुश्किल बना दिया है, नहीं तो छोटा बच्चा भी इसको जान पाता। क्या मतलब है इसका गुरुजी? ध्यान का मतलब ही ध्यान है। ध्यान का मतलब ही ध्यान है? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। इसमें अब समझने जैसा क्या है? इसको ध्यान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ध्यान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। दो ही बातें मनुष्य को समझ में नहीं आती, पहली जो जरूरत से ज्यादा कठिन हो, और दूसरी
जो जरूरत से ज्यादा आसान हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बोलते हैं कि ध्यान से चलो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि चलने पर फोकस करो, इधर उधर नहीं। बिल्कुल सही कहा, इसी को ध्यान से चलना कहते हैं। अगर इसका विपरीत देखा जाए तो इसे बेध्यानी कहेंगे। जब तुम चलते हो तो तुम्हें मालूम हो कि तुम चल रहे हो, बस यही ध्यान है। जब तुम भूल जाओ कि तुम चल रहे हो तो ये बेध्यानी है। क्या बस इसी को ध्यान बोला जाता है? हाँ, बस यही ध्यान है और यही बेध्यानी है। तुम्हारे पैरों का लड़खड़ाना बेध्यानी है और तुम्हारे पैरों का सत जाना ध्यान है। सोते वक्त तुम्हारा नींद में करवट बदलना बेध्यानी है और हर एक करवट को सोचते हुए समझते हुए बदलना ध्यान है। तुम्हारा खाना खाते वक्त भूल जाना कि निवाला कितना बड़ा है बेध्यानी है और हर एक निवाले को देख कर खाना ध्यान है। ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो तुम्हें बाहर से ग्रहण करनी है, ये तो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। लेकिन हम सभी की प्रवृत्ति ये है कि हम हमेशा हर एक चीज को बाहर से खोजते हैं और यही वजह है कि हमारी ध्यान की खोज कभी पूरी नहीं हो पाती। हमारी हालत उस हिरण की तरह है जो एक सुगंध का पीछा हमेशा करता रहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि वो सुगंध उसके शरीर में मौजूद कस्तूरी की है। लेकिन गुरुजी, लोग एक जगह बैठकर भी तो ध्यान करते हैं, क्या वो ध्यान नहीं है? वो ध्यान का अभ्यास है। जिस तरह कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है, फिर उस पढ़ाई का इस्तेमाल अपनी परीक्षा में और पूरी जिंदगी में करता रहता है, असली ध्यान वो नहीं है जो कोई बैठकर कर रहा है। असली ध्यान तो वो है जो वो अपने हर काम में कर पा रहा है, लेकिन हमारी नजर उसको देखती है जो हमें रहस्यमय लगता है। हम किसी योगी की पूरी जिंदगी को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि वो किस तरह ध्यान का अभ्यास करता है। जैसे हम किसी जादूगर के मंत्रों और उसकी ध्यान भटकाने वाली हरकतों को देखते हैं और उसके जादू करने वाले तरीके को पकड़ नहीं पाते। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति रोज 4 घंटे बैठकर ध्यान करे और साधना करे, लेकिन बाकी के 20 घंटे वो बेध्यानी में गुजारे, तो समझ लेना कि उसका ध्यान अभी खोखला है, वो अभी ध्यान को प्राप्त नहीं हुआ। और अगर कोई ऐसा साधु हो जो कभी ध्यान करता दिखाई ना पड़े, लेकिन अपने सभी काम में वो ध्यान से काम करे, तो ध्यान रखना वो ध्यान में अभ्यस्त हो चुका है, उसे अब अभ्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन अभ्यास जितना किया जाए उतना कम है, इसीलिए महान ध्यान योगियों ने इस अभ्यास को कभी नहीं रोका। तो मुझे कैसा ध्यान करना चाहिए, कहीं बैठकर या काम करते हुए? तुम्हें ये दोनों ही करने हैं। एक अभ्यास है तो दूसरा प्रयोग है। अगर तुम अभ्यास ना करो तो प्रयोग नहीं कर पाओगे, और अगर तुम प्रयोग ना करो तो अभ्यास किस काम का, खुद सोचो। अभ्यास भी महत्वपूर्ण है और उसका प्रयोग भी अनिवार्य है। लेकिन गुरुजी, प्रयोग करते करते भी तो अभ्यास किया जा सकता है ना? तुम्हारा सवाल एकदम सही है। जब हम कोई काम करते हैं और ध्यान का प्रयोग करते हैं, वहां भी अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन ये अच्छा सुझाव नहीं है। क्यों गुरुजी, इसमें क्या परेशानी है? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने बचपन में साइकिल चलाई है? जी गुरुजी, चलाई है। जब तुमने साइकिल चलाने का अभ्यास किया था तो तुमने एक ऐसी सड़क चुनी थी जिसमें बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत से लोग चल रहे हैं, या फिर तुमने एक ऐसा रास्ता चुना था जो बिल्कुल खाली था? मैंने तो खाली सड़क पर ही अभ्यास किया था गुरुजी, उस वक्त जिस वक्त वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज तुम उस खाली सड़क पर भी साइकिल चला सकते हो और उस भीड़भाड़ वाली सड़क पर भी चला सकते हो। जी, अब कोई परेशानी नहीं होती, अब मैं सीख चुका हूँ। इसीलिए हमें अभ्यास के लिए एक ऐसी जगह पर रुकना होता है, क्योंकि चलते या फिरते, खाते या पीते, हम कुछ देर ध्यान में रह पाते हैं,
लेकिन हमारी चंचल प्रवृत्ति के कारण हम बहुत जल्द बेध्यानी में चले जाते हैं। लेकिन जब हम एक जगह पर बैठकर ध्यान करते हैं तब ध्यान करने में आसानी होती है, क्योंकि वहां पर इस काम के अलावा और कोई काम नहीं होता। हम ऐसी जगह चुनते हैं जहां कोई हमारा ध्यान ना भटकाए। तो आपने जो ध्यान के बारे में मुझे बताया, क्या यही इसके बारे में काफी है या मुझे और कुछ भी जानना है? नहीं, ध्यान की व्याख्या करना तो बेतुका काम है। इसको कभी शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। ये ठीक वैसा है जैसे मैं किसी ऐसे आदमी को सेब का स्वाद बताऊं जिसने आज तक कोई मीठा फल ना चखा हो, और मैं उसके सामने सेब के बारे में पूरी व्याख्या करूं, उसे दिन रात समझाऊं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही तरीका तो ये है कि मैं उसे सेब का स्वाद चखा दूं, तभी वो सही से जान पाएगा। उसी तरह ध्यान को सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने दोहों में बताया है, लेकिन जिसने खुद ध्यान किया वही इसका स्वाद जान पाया। तो मैं तुम्हें भी ये चखाना चाहता हूँ, तभी तुम अनुभव कर पाओगे। मैं सच में इसका स्वाद चखना चाहता हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा था, तीन सवालों को सही क्रम में रखना है। बिल्कुल, रखना अनिवार्य है। और क्रम के अनुसार दूसरा सवाल है कि ध्यान क्यों करना है? जी गुरुजी, दूसरा सवाल यही है। पहले एपिसोड से शुरू करें, तभी आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा सवाल है कि ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने का प्रयोजन हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग केवल अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान करते हैं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ईश्वर की आराधना के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन ये ध्यान के बहुत शुरुआती चरण है। ध्यान तो जन्म और कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपाय है और अपने आत्मज्ञान से इस दुनिया की माया को तोड़ने का उपाय है। तुम्हें अपने आत्मज्ञान से इस माया के पार जाना है, फिर तुम अपने जन्मों के चक्र को रोक दोगे और कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं समझा, आप क्या बोल रहे हो, बड़ा विस्तार से बताइए। देखो, हर इंसान जो इस धरती पर आया है वो यहाँ के नियमों से बंधा है, जिसमें ये दो नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है जन्म और मृत्यु, दूसरा है हमारा कर्म। ये नियम यही कहते हैं कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त जरूर होगा, और जब तक जीवित रहेगा तब तक कर्म करता रहेगा, चाहे वो काम कैसा भी हो, कोई भी हो। इस धरती पर कोई भी कर्म और जन्म मरण से नहीं बच सका। हर इंसान जन्म लेता है, काम करता है, खाना खाता है, पानी पीता है, सोता है और बहुत से काम करता है, और आखिर में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जीवन मात्र एक परीक्षा है। परीक्षा है? अगर परीक्षा है तो परिणाम भी तो मिलता होगा। हाँ, परिणाम भी मिलता है। वो है एक अनंत जिंदगी जिसमें कोई बंधन नहीं है। वही जिंदगी एक परिणाम है जिसे मोक्ष धाम कहा जाता है। पर गुरुजी, आज के दौर में ये सब कौन मानता है? इस बात को कौन मानेगा कि ये जिंदगी सिर्फ परीक्षा है, एक धोखा है, इसके बाद एक और जिंदगी मिलेगी? इसे आज की दुनिया में कोई नहीं मानेगा, और मेरा भी दिमाग इसको सही से स्वीकार नहीं कर रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये असली भी हो सकता है और भ्रम भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ भी हकीकत में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हकीकत हो। जी बिल्कुल, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो क्या इसे मानना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, इसे मत मानो। बल्कि क्या असली है और क्या नकली है, क्या सच है क्या झूठ है, इसे खुद जानो। खुद जानो? खुद कैसे जाने? अपने आत्मज्ञान से इसे जाना जा सकता है। आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर छुपा वो ज्ञान है जो हमेशा से तुम्हारे पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके सब कुछ जाना जा सकता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय ध्यान है।
मैंने कहा था ना, ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरुजी, ज्ञान तो हम किताबों से, लोगों से, वीडियो से लेते हैं, और जिस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं उसे जान लेते हैं, फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है? जिस ज्ञान की तुम बात कर रहे हो वो ज्ञान नहीं बल्कि जानकारी है, जो बाहर से तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर रही है। लेकिन जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हारा आत्मज्ञान है, जो कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही एक अंग है। हमेशा ध्यान रखना, बाहरी ज्ञान सही है या गलत है इसका पता लगाना बहुत कठिन काम है। इस जानकारी की कभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आत्मज्ञान हमेशा सही होता है, और इसी ज्ञान से अपने आप को भी जाना जा सकता है और इस दुनिया की हकीकत को भी पहचाना जा सकता है। इसको थोड़ा और साफ कीजिए गुरुजी, थोड़ा और सरल कीजिए, और ये भी बताइए कि आत्मज्ञान ध्यान से प्राप्त कैसे होता है। अगर आप चाहें तो आप हमारे वास्तविक ज्ञान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान कराया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाएगा, हिप्नोसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द ही हमसे संपर्क करें। गुरुजी, ये तो समझ में आ गया कि आत्मज्ञान क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आत्मज्ञान ध्यान से प्राप्त कैसे होता है, कृपया ये भी बताइए। ये विचार तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, हर कोई जानना चाहता है कि ध्यान से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इसको समझो, देखो, कुदरत का एक नियम है कि दुनिया में कोई भी चीज खाली नहीं रह सकती, प्रकृति का काम है उसे भरते रहना। अगर सड़क पर एक गड्ढा है तो बारिश उसे पहले भरेगी, उसके बाद पानी बाहर निकलना शुरू होगा। अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए तो हमारा शरीर हमारी सारी ऊर्जा उस घाव को भरने में लगा देता है। ऐसे वक्त में शरीर को लगता है कि उसके लिए सबसे जरूरी काम उस घाव को भरना है, क्योंकि प्रकृति का काम ही यही है कि वो हर एक चीज को भरती चले, कुछ भी खाली ना छूटे। इसको थोड़ा और आसान कीजिए गुरुजी। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक पानी की बोतल है जिसमें पानी है। अगर मैं कहूँ कि इस बोतल को खाली कर दो तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? इसमें क्या मुश्किल है गुरुजी, बोतल का पानी बाहर निकाल दूंगा, बोतल खाली हो जाएगी। मैंने बोतल का पानी निकालने को तुमसे नहीं कहा, मैंने तो बोतल को खाली करने के लिए बोला है। पानी निकालने पर ही तो बोतल खाली होगी गुरुजी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम उस बोतल से पानी निकालते हो तो उसमें वायु है, प्रकृति उसमें वायु भर देती है। अगर तुम उस वायु को निकालना चाहो तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ और पदार्थ डालना होगा जो उस वायु की जगह ले सके। ऐसा कभी संभव नहीं है कि उस बोतल को खाली किया जा सके। प्रकृति के काम में कभी कोई चूक नहीं होती, उसको कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन गुरुजी, हमारे आत्मज्ञान से इस उदाहरण का क्या संबंध है? जिस तरह प्रकृति तुम्हारी पानी की बोतल को खाली नहीं छोड़ती, उसी तरह तुम्हारे दिमाग को भी नहीं छोड़ती। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे दिमाग से विचार कम होने लगते हैं, और इसके अभ्यास से एक वक्त ऐसा भी आता है जब विचार शून्य हो जाते हैं। बल्कि इस अवस्था को शून्य भी कहना गलत है, क्योंकि इस वक्त में कोई भी विचार नहीं होता। मैं जिन विचारों की बात कर रहा हूँ, ये सभी विचार तुम्हारे बाहरी ज्ञान से आते हैं। जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम सुनते हो, जो भी तुम करते हो और बोलते हो, वही विचार के रूप में तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये सभी बाहरी ज्ञान के विचार जब थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिमाग को खाली छोड़ते हैं, तभी प्रकृति अपना काम करती है। वो तुम्हारे आत्मज्ञान को तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करवाती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को खाली नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिस स्थान पर तुम्हारा बाहरी ज्ञान था, उस स्थान पर अब आत्मज्ञान अपनी जगह बना लेता है। अभ्यास से संभव है, और इस काम में प्रकृति जरा भी वक्त नहीं लगाती।
जिस तरह पानी की बोतल से पानी जैसे जैसे बाहर आता है वैसे वैसे प्रकृति उसमें वायु भरती जाती है, हमें खबर भी नहीं होती ये काम कब कब में हो गया। उसी प्रकार जब आत्मज्ञान उजागर होता है तब भी ये क्रिया बहुत तेज गति से होती है। हमारा काम केवल बाहरी ज्ञान को निकालना है, आत्मज्ञान को उजागर करना प्रकृति का काम है। और जैसा मैंने कहा, ये प्रकृति अपने आप करती है और उसमें कभी चूक नहीं करती। लेकिन गुरुजी, हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा ज्ञान है वो आत्मज्ञान है या बाहरी ज्ञान है? बहुत अहम सवाल पूछा, मैं अभी उसी पर आ रहा था, अभी इसको जानते हैं। चलो ये बताओ कि दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं गुरुजी, बहुत आसान था। अब ये सोचो, ये जवाब तुम्हें कहाँ से मिला? शायद किताबों से या अपने अध्यापकों से, जो तुमने पढ़ाई की है वहीं से तुम्हें ये उत्तर मिला है। इसका मतलब ये है कि ये बाहरी ज्ञान है, तुम्हारा आत्मज्ञान नहीं है। यही सबसे सरल मार्ग है जिससे तुम ये जान सकते हो कि कौन सा विचार आत्मज्ञान है और कौन सा विचार तुम्हारा बाहरी ज्ञान है। जब भी कोई विचार आए तो देखो उस विचार का स्रोत क्या है, बाहर या भीतर। अगर स्रोत किताबें हैं, कोई इंसान है, टीवी है या इंटरनेट है, तो ये बाहरी ज्ञान है। लेकिन कोई आवाज अगर तुम्हारे भीतर से आए या तुम ये जान भी ना पाओ कि इसका स्रोत क्या है, तो ये तुम्हारा आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान तुम्हें वो बताएगा जो तुम किसी बाहरी स्रोत से कभी नहीं जान सकते। तुम्हारे मन में चल रहे वो सभी सवाल शांत हो जाएंगे जिन्हें तुम अपने जीवन में इंटरनेट पर या किताबों में खोज रहे हो, क्योंकि हमारा आत्मज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान स्रोत है जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें आने वाली घटनाओं का आभास भी कराएगा और तुम्हें ये भी बताएगा कि तुम असल में कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे साथ इस पल जो घटित हो रहा है वो दृश्य तुम पहले भी देख चुके हो। बहुत सी जगह पर जाकर तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, और कुछ लोगों को देखकर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुमने पहले भी उन्हें देखा है। ध्यान रखना, ये तुम्हारे आत्मज्ञान की कुछ झलकियां हैं। जिस दिन तुम इसे पूरी तरह उजागर कर लोगे उस दिन चमत्कार का असली अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं तुम्हें इसके बारे में बताने से अच्छा है कि तुम्हें ये चखा दूं, जिसके लिए हमें ध्यान का प्रयोग और अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। गुरुजी, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं उसका क्या होगा? तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान से अलग मत समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान के सफर में तुम्हें ऐसे बहुत से ब्रह्मांड के रहस्य बताऊंगा जिनकी तुम्हारे दिमाग ने कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से तुम्हें वो रहस्यमयी ताकतें मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी और हर एक परिस्थिति के लिए तुम्हें तैयार करेंगी, जिसके बाद तुम्हें बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये मेरा वादा है कि ध्यान की इस यात्रा में तुम्हें बहुत आनंद भी आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, हम इसे शुरुआत से करेंगे और जो भी मैं करने के लिए बोलूं वो करते जाना, क्योंकि कुछ बातें शायद तुम्हें किसी काम की ना दिखाई दें लेकिन उनके पीछे मेरा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर तुम तैयार हो तो बताओ। जी गुरुजी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ध्यान के सफर में तुम्हें ऐसे बहुत से ब्रह्मांड के रहस्य बताऊंगा जिनकी तुम्हारे दिमाग ने कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से तुम्हें वो रहस्यमयी ताकतें मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी और हर एक परिस्थिति के लिए तुम्हें तैयार करेंगी, जिसके बाद तुम्हें बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये मेरा वादा है कि ध्यान की इस यात्रा में तुम्हें बहुत आनंद भी आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, हम इसे शुरुआत से करेंगे और जो भी मैं करने के लिए बोलूं वो करते जाना, क्योंकि कुछ बातें शायद तुम्हें किसी काम की ना दिखाई दें लेकिन उनके पीछे मेरा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर तुम तैयार हो तो बताओ। जी गुरुजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
तो आज की क्रिया को समझ लो। आज तुम्हें पूरा दिन अपने गुरु के साथ रहना है। अगर गुरु का साथ छूटा तो बेध्यानी में चले जाओगे। ये कैसे संभव है गुरुजी? ये पूरा दिन आपके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? ये आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे उस गुरु की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तुम्हारी श्वास जो हमेशा तुम्हारे साथ है, उस गुरु को सुनो। ये मानो कि ये तुम्हारा ही गुरु है और तुम्हें प्रवचन दे रहा है, तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखा रहा है। ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे ये तो निश्चित है कि तुम अपने गुरु को बार बार छोड़ दोगे, उसे भूल जाओगे। लेकिन घबराना नहीं, वो तुम्हें वहीं मिलेगा जहां तुमने उसे छोड़ा था। तुम ये मत समझना कि इसमें तुम्हारी श्वास की कोई गलती है। अगर तुम्हारा ध्यान हटता है तो ये तुम्हारी कमी है। जिस तरह एक छोटा बच्चा मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है और रोते हुए बोलता है कि मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, असल में खोया वो खुद है, उसके माता पिता कहीं नहीं खोए हैं। तो अगर सुधार ही करना है तो अपने भीतर करना है, अपनी सांसों को दोषी मत ठहराना। तो अब मुझे बस यही करना है? ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जिसे तुम बहुत सरल समझ रहे हो, असल में वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये ध्यान एकांत में बैठकर ध्यान करने से कई गुना कठिन है। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, इसीलिए चेता रहा हूं कि इसको आसान समझने की भूल कभी ना करना। बाकी तुम जब इसे प्रयोग में लाओगे तब खुद समझ जाओगे कि ये कितना आसान है और कितना कठिन है। इस विधि को समझ लो। इस विधि में तुम्हें अपने दिन भर के काम करते करते अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखना है। ऐसा करते समय कभी तुम्हारा ध्यान बहुत गहरा होगा, कभी थोड़ा धुंधला होगा और कभी छूट भी जाएगा। फिर प्रयास करना, फिर ध्यान हटेगा, फिर प्रयास करना। ऐसा करते रहना, बार बार करना। गुरुजी, अभी आपने कहा कि सभी काम करते हुए ये करना है, ये तो अब नामुमकिन सा लग रहा है। क्यों, इसमें ऐसा क्या है जो ये तुम्हें नामुमकिन लग रहा है? अगर मैं अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा तो काम छूट जाएगा, और अगर काम पर फोकस करूंगा तो सांसों पर से ध्यान छूट जाएगा। ये आपने मुझे कैसी परेशानी में डाल दिया गुरुदेव। मैंने परेशानी में नहीं डाला, बल्कि परेशानी से बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में तुम्हें परेशानी होगी? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं बाइक चलाऊंगा तो ध्यान कैसे करूंगा, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। जरा सोचो, जब तुम बाइक चलाते हो तो उसके साथ तुम क्या क्या करते हो? तुम सड़क पर लगे हुए ट्रैफिक के बारे में भी सोचते हो, अपने ऑफिस के बारे में भी सोचते हो कि वहां पर क्या करना है, बार बार समय के बारे में भी सोचते हो, समय को देखते भी हो और फोन भी इस्तेमाल कर लेते हो। बाइक चलाते समय तुम्हारे दिमाग में बहुत से विचार चल रहे होते हैं। तो ये मत सोचो कि अपनी सांस पर ध्यान लगाने से बाइक नहीं चलेगी। जब तुम इतने सारे विचारों के साथ ये काम कर पा रहे हो तो मैं तो तुम्हें बाकी के फजूल कामों से, विचारों से मुक्ति दे रहा हूँ, उनसे बचा रहा हूँ, और केवल एक ही काम करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम अपनी सांस पर ध्यान दो। और ये कोई काम भी नहीं है, क्योंकि तुम सांस नहीं ले रहे हो। ये तुम्हारी भूल है कि तुम सांस लेते हो। सांस तो अपने आप चल रही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम तुम खुद कर रहे हो तो एक बार मुझे इसे रोक कर भी दिखाना। तुम नहीं कर पाओगे, तुम जानते हो। तो केवल इतना करो कि ये ध्यान रखो कि तुम्हारी सांस चल रही है। कितनी सांसें लेते हो ये गिनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें ये मालूम चलना चाहिए कि तुम्हारी सांस चल रही है। केवल इतना ही करो। ध्यान हटेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन फिर लगाना, फिर हटेगा तो फिर लगाना, और कल मुझे बताना कि कितनी बार और लगभग कितना वक्त तुम इस प्रयोग को कर पाए। मैंने तुमसे कहा था कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं
कि अभ्यास से सब कुछ आसान हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस प्रयोग को करें और कमेंट में बताएं। दो बातें जान लो तभी आगे बढ़ना। पहली बात ये कि जो बताई हुई बातों पर अमल करे और सभी विधियों को करे वही इस वीडियो को देखना। दूसरी बात ये कि इस एपिसोड से पहले के एपिसोड्स जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा रास्ता इंसान को भटका देता है जाएगी। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने तुम्हें ध्यान की क्रिया बताई थी, क्या तुमने उसको प्रयोग में लाया? जी गुरुजी, कल मैंने अपनी सांस पर ध्यान रखा और पूरी कोशिश की उस पर ध्यान बनाए रखने की। तो परिणाम क्या निकला? क्या ये सरल था या मुश्किल था? गुरुजी सरल लग रहा था लेकिन था नहीं। पूरे दिन में कुल मिलाकर 2 घंटे ही ये क्रिया कर पाया। शुरुआत में अगर तुम 24 घंटे में से 2 घंटे भी कर पाए तो तुमने बहुत सही से किया। अक्सर तो साधकों को ये भी याद नहीं आता कि आज उन्हें कोई क्रिया भी करनी थी। लेकिन क्या आज भी उस क्रिया को कर रहे हो? जी आज तो नहीं की। देखो, ध्यान कोई एक दिन का काम नहीं है, इसका रोज अभ्यास करना है और रोज इसका प्रयोग करना है। मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे सामने बैठे हो तो भी अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखो, और ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना ध्यान लगा पाते हो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें, ये आपके लिए भी एक चुनौती है। और आप कितने समय तक ध्यान बनाए रख पाए, कब आपका सांस छूट गया, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम किसी चीज को शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उससे दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सवाल तो काम का है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सांस पर से हटा तो नहीं? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं हटा। आज आपकी सभी बातें भी सुनूंगा और सांसों पर ध्यान भी रहेगा। आज आप मुझे परख लेना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। हम किसी काम की शुरुआत बड़े जोर शोर से करते हैं पर जल्दी ही उससे हट जाते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें बेवकूफ बनाता है। वो हमें समय समय पर छलता है। एक पल तो हमें ये दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर जो भी करना चाहता है, हर एक अच्छा काम कर, बोलता है चल मिलकर काम करेंगे, ऐसा बोलकर काम शुरू करवा देता है, लेकिन फिर साथ छोड़ देता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दोस्त के वेश में हमें धोखा देता है। बड़ा शातिर है और बड़ा चालाक है ये मन। गुरुजी जब हमारे मन को हमारा साथ हमेशा देना ही नहीं होता तो वो हमें सुहाने सपने दिखाकर कोई भी अच्छा काम शुरू क्यों करवा देता है? सही सवाल पूछा तुमने। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसे सब पगला पगला बोलते थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके गाँव में एक बड़ी दुकान थी। वहां पर जब भी वो लड़का जाता तब तब दुकान का मालिक आसपास के लोगों को बुलाता और बोलता, आओ एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, देखो बड़ा मजा आएगा। दुकान का मालिक अपने एक हाथ में 100 रुपए का नोट रखता और दूसरे हाथ में 10 रुपए का नोट रखता और लड़के से पूछता कौन सा चाहिए। लड़का फटाफट से 10 का नोट ले लेता और सभी लोग बहुत हंसते, और ऐसा करके दुकान के मालिक को भी बड़ा मजा आता था। ऐसा वो हर रोज करता था। सभी उस लड़के पर हंसते थे और वो लड़का 10 का नोट लेकर चला जाता था। एक बार उस लड़के के दोस्त ने उसे कहा, भाई ये दुकानदार तेरे साथ रोज ऐसा करता है, रोज ये सब तेरी मजाक उड़ाते हैं, तुझे 10 रुपए का नोट दिखाते हैं और 100 रुपए का नोट दिखाते हैं और तू हमेशा 10 का नोट चुनता है। भाई मैं तुझे बताता हूँ, 100 का नोट 10 से बड़ा होता है, तू पागल मत बन, थोड़ा दिमाग से काम ले। उस लड़के ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 100 का नोट 10 से ज्यादा है। जिस दिन मैंने 100 का नोट चुन लिया उस दिन ये रोज चलने वाला खेल बंद हो जाएगा और ये 10 का नोट भी मुझे मिलना बंद हो जाएगा। और जानते हो क्या हुआ? उसके दोस्त का अपनी सांसों से ध्यान हट गया। सही कहा गुरुजी, मैं कहानी के बहाव में बह गया था। कोई बात नहीं, फिर से ध्यान लगाओ, ये तो होना ही था। लेकिन तुम इस कहानी से ये समझ लो कि अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कोई भी काम करने से पहले ही रोक दे तो उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि वो दुश्मन है, और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा असली दुश्मन है तो तुम उसकी कभी नहीं सुनोगे और उसके साथ सख्ती से पेश आओगे। इसीलिए वो बहुत चालाकी से काम करता है, तुम्हारे साथ चलने का वादा करता है,
साथ निभाने का वादा करता है, लेकिन तुम्हें परेशानी में छोड़कर भाग खड़ा होता है। परेशानी से निकलने पर फिर दोबारा से तुम्हारा हालचाल पूछने आ जाता है। ध्यान रखो, ऐसे शत्रु खतरनाक होते हैं जो दोस्त के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन गुरुजी, इसका क्या उपाय है कि मैं मन के इस छल से बच सकूं? इसका उपाय है कि तुम इसे भागने मत दो। ये भागने का प्रयास करेगा, पर तुम इसे रोको। मैं इसे कैसे रोकूं गुरुजी? इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है ध्यान। जरा सोचो, जब मैंने तुमसे कहा था कि आज पूरा वक्त तुम्हें अपनी सांस पर ध्यान देना है, तब तुमने कहा था कि बिल्कुल, मैं इस चुनौती को पूरा करूंगा। असल में ये तुम्हारे मन ने तुमसे बुलवाया था। उसने ही कहा था, हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारा मन उस कहानी में चला गया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आया कि तुम्हें क्या करना है, वैसे ही तुमने अपने मन को वापस बुलाया और काम पर लगा दिया। लेकिन वो अब भी भागना चाह रहा है, पर तुमने उसे रोक रखा है। और जहां तुम्हारा ध्यान हटा, तुम्हारा मन कई किलोमीटर दूर यात्रा करने निकल जाएगा। तुम्हें लगेगा कि सेकंड ही तो हुआ है, लेकिन मन की गति का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये इतना चंचल है कि पल भर में देश विदेश पहुंच जाता है, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत यहाँ है, इस वक्त है। इसीलिए तुम्हें इस ध्यान के प्रयोग से अपने मन पर लगाम लगानी है। लेकिन ये तुम्हें छलने की कोशिश करेगा। कभी कहेगा मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगा, कभी कहेगा बस अभी टीवी देखकर आ जाऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ। ये तुम्हें छलने का प्रयास करता ही रहेगा। लेकिन तुम्हें इसकी नहीं माननी है, क्योंकि अगर तुमने इसकी मानी तो ये तुम्हें 5 मिनट की कहानी बोलकर 1 घंटा लगा देगा। ये कहेगा बस 10 मिनट में टीवी देखकर आते हैं, पर कई घंटे तक तुम्हें वहां व्यस्त रखेगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। इसीलिए ध्यान का मार्ग ही इसे काबू कर सकता है। जब भी ये कहे कि मुझे टीवी देखना है, तो मना मत करना, पर ये कह देना कि मेरे साथ बैठकर देख, अगर देखना है तो। यानी कि टीवी देखते समय भी सांसों पर ध्यान रखना, तब ये मन इधर उधर नहीं भाग पाएगा। ध्यान रखना ये उस शरारती बच्चे की तरह है जो पढ़ाई से बचने के लिए अपनी कक्षा में पानी पीने का बहाना बनाता है, लेकिन उसे पानी नहीं पीना होता, वो बाहर खेलने निकल जाता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी तुमसे कहेगा कि अब काम करते करते थक गए हैं, पढ़ाई करते करते थक गए हैं, चलो आराम करते हैं। लेकिन आराम करना तो बहाना है, ये आराम के बहाने से फोन, टीवी या तुम्हारे विचारों के साथ खेलेगा, तुम्हें उलझा देगा। यही इस मन का छलने का तरीका है। ये तुम्हें इसी तरह बेवकूफ बनाता है। ये तुमसे अधिकतर वो काम करने के लिए बोलेगा जिसको तुम मना भी नहीं कर पाओगे। तो इससे सावधान रहो, इसके गुलाम मत बनो, बल्कि इसको अपना गुलाम बनाओ। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हारे सभी काम इतनी तेजी से होने लगेंगे कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, तुम्हारा मन बहुत तेज है। अगर ये तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ देने लगे तो असंभव भी संभव होने लगेगा। गुरुजी, मन हमारे काबू से बाहर कैसे हो जाता है? गुरुजी, अब मैं अपनी सांसों पर ध्यान लगाने में बहुत अच्छा होता जा रहा हूँ। अब मैं काफी वक्त तक सांसों पर ध्यान लगा पाता हूँ। बहुत खूब, इसका अभ्यास और प्रयोग कभी मत रोकना, हमेशा इसे करते रहना। और अब हम ध्यान के लिए एक और अभ्यास शुरू करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें मैं बैठकर ध्यान करना सिखाऊंगा और जिसके लिए तुम उत्सुक भी थे। जी गुरुजी, बताइए कैसे शुरू करें? पहले कुछ बातें जान लो। शुरुआती अभ्यास में जगह का बहुत महत्व है। अगर तुम एक सही स्थान चुन सको तो ये तुम्हारे अभ्यास को बहुत सरल बना देगा। कैसा स्थान होना चाहिए गुरुजी ध्यान के लिए? ध्यान के प्रयोग के लिए जगह को 3 तरीके से मापना जरूरी है। पहला, स्वच्छता। दूसरा, वातावरण। और तीसरा, आरामदायक। अगर इन 3 बातों में से कोई एक बात भी नजरअंदाज करते हो तो ध्यान करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इन 3 बातों का महत्व जरा सही से समझ लो। पहला मैंने बोला स्वच्छता। ध्यान रहे, सफाई से मेरा मतलब केवल उस जगह की सफाई नहीं है, बल्कि मैं उस जगह में वास करने वाली ऊर्जा की सफाई की बात कर रहा हूँ। जगह में बसने वाली ऊर्जा, ये क्या है गुरुजी?
हर एक जगह में एक ऊर्जा रहती है, जिस तरह हर एक इंसान में रहती है। एक ऊर्जा तो वो है जो सभी की अपनी अपनी है, हर एक इंसान में है, हर एक वस्तु में है। लेकिन अधिक ध्यान उस ऊर्जा पर देना है जो किसी के संपर्क में आने से बनती है। हम जिस भी वस्तु को छूते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वहां हम अपनी गंध या अपने हाथों के निशान छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही हम अपनी ऊर्जा को भी उस वस्तु के भीतर छोड़ देते हैं। और ध्यान रखना, ये ऊर्जा केवल छूने से नहीं बल्कि उस वस्तु को देखने से भी उसके अंदर ये ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। किसी वस्तु या इंसान को देखने पर भी ये ऊर्जा उसके अंदर पहुंच जाती है। जब किसी इंसान को कोई तीखी या बुरी नजर से देखे तो हम कह देते हैं कि इस इंसान को नजर लग गई है। और ऐसा ही किसी वस्तु के साथ भी होता है। असल में ये नजर लगना नहीं है बल्कि उसका किसी ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आने से ऐसा होता है जो उस व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी यह तो एक अलग विषय है, इस पर तो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझो कि जिस स्थान को तुम ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए चुन रहे हो, उसकी ऊर्जा कैसी है। अगर उस जगह पर तुम अक्सर सोते हो तो स्वाभाविक है कि उसमें उसी ऊर्जा का वास है। तुम्हें वहां ध्यान करने पर बेशक नींद ही आएगी और तुम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अगर किसी जगह पर तुम संभोग या कोई इस तरह का काम करते हो, वहां ध्यान करने से तुम्हें गलत विचार आएंगे, क्योंकि उस जगह के भीतर वही ऊर्जा वास करने लगती है और उसका आभास भी किया जा सकता है। क्योंकि ऊर्जा जब एकाकार होती है तब ऊर्जा का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। वो जगह जहां तुम बैठते हो तुम्हारे अंदर भावनात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर देती है, जिसे हम सिर्फ ये बोलकर टालते हैं कि यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठकर बुरा लगता है, या यहाँ बैठकर अजीब सा लग रहा है। ये अच्छा, बुरा या अजीब, ये महसूस हमें वो ऊर्जा ही करवाती है। तो पहले कोई ऐसी जगह देखो जहाँ कोई भी ऐसा काम पहले ना हो रहा हो जो ध्यान की पवित्रता को भंग कर दे। और जगह को साफ तो रखना ही है, साथ में ऊर्जा का पवित्र होना भी जरूरी है। और अगर ये संभव ना हो पाए तो एक चटाई या एक चादर का प्रयोग भी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, वो चादर या चटाई केवल ध्यान के लिए ही प्रयोग में लानी चाहिए। इसके अलावा किसी और काम के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि जहां तुम बैठोगे वो जगह कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात भी ध्यान में ले लो, जहां भी तुम ध्यान करो वहां का वातावरण सुखद होना चाहिए। वहां किसी प्रकार की बदबू या सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पर प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में होनी जरूरी है। और ये ऐसा स्थान होना चाहिए जहां तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। गुरुजी, आपने ये तो नहीं कहा कि वहां पर आवाज नहीं होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। शोरगुल या आवाज से एक साधक की कोई भी दुश्मनी नहीं होती, बल्कि अगर आसपास की आवाजें ना हो तो ध्यान अधूरा है। एक साधक इन आवाजों को स्वीकार करके इन्हें ध्यान की सीढ़ी बनाता है। ये आवाजें एक ध्यान करने वाले साधक को और भी अभ्यस्त बनाती। और ये भी जान लो कि तुम इन आवाजों से कभी भी नहीं बच सकते। कहीं गाड़ियों की आवाज आएगी, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आएगी। अगर सब कुछ छोड़ भी दिया और हिमालय पर्वत पर भी चले गए, तब वहां चिड़िया की आवाज है, पेड़ों के पत्तों की आवाज है और हवा की भी आवाज है। तुम कभी भी आवाज से भाग नहीं सकते, क्योंकि जहां जीवन है वहां आवाज है, वहां ध्वनि है। तुम्हारे दिल की धड़कनें आवाज हैं, सांसों के चलने की आवाज है, तुम्हारे विचार भी तो आवाज करते हैं, इससे कैसे भागोगे। तो ऐसा स्थान कहाँ खोजोगे जहां कोई भी आवाज ना हो। सही तरीका तो ये है कि सभी आवाजों को स्वीकार करो, ये इनसे भागने से कहीं ज्यादा सरल है। जी, समझ गया गुरुजी। अब तीसरी बात भी समझ लो
जिस जगह ध्यान का प्रयोग करो वो आरामदायक भी होनी चाहिए। अगर वो आरामदायक नहीं है तो तुम्हें ज्यादा देर बैठने नहीं देगी। ध्यान करना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो जगह उबड़ खाबड़ है या सख्त है तो वो तुम्हें ठीक से बैठने तक नहीं देगी। और अभी तुम्हारे लिए ऐसी जगह प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी तुम एक शुरुआती चरण में हो। इसीलिए तुम्हारे लिए अभी सबसे कठिन काम यही होगा कि एक जगह पर तुम टिक कर बैठ पाओ। अगर वो जगह तुम्हें आरामदायक नहीं लग रही है तो ध्यान रखना, वो तुम्हारी ऊर्जा को तुमसे छीन रही है। इस तरह ध्यान करने के बाद तुम अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करोगे। तो ये तीन बातें ध्यान रखना जब तुम ध्यान के अभ्यास के लिए एक स्थान चुन रहे हो, क्योंकि अभी शुरुआत में तुम्हें हर एक छोटी बात पर नजर रखनी है, हर एक बात को समझना है, तभी सही से ध्यान कर पाओगे। अब हम ध्यान के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान के सफर में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने सबसे कीमती चीज से मिलना होगा, जो हमारे लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने वरदान में दी है। आज हम उसी कीमती चीज से मिलेंगे जिसे हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं। जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में हम उसकी मूल्यता को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यह चीज अनमोल है, लेकिन हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। मूल्यवान चीज, ऐसी कौन सी मूल्यवान चीज हमारे पास है जिसे हम नहीं समझ रहे? वो मूल्यवान चीज हमारा शरीर है, जिसका हम ध्यान नहीं रखते। बिना स्वस्थ शरीर के हम जीवन में किसी भी काम को पूरे मन से और पूरे ध्यान से नहीं कर सकते, क्योंकि अस्वस्थ शरीर हमेशा ध्यान में रुकावटें पैदा करता है, हमारे कामों में निरंतरता का अभाव पैदा करता है। सही कहा गुरुजी, मैं रोज सोचता हूँ कि आज मैं पूरा दिन ध्यान लगाऊंगा, लेकिन जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ थोड़ी देर बाद ही आलस, थकान महसूस होने लग और मैं ध्यान से हटकर और दूसरे विचारों में उलझकर रह जाता हूँ। हाँ, ऐसा होना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए तुम्हें अपने शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें शरीर को पौष्टिक आहार, स्वच्छ जल, निजी स्वच्छता प्रदान करनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम को जीवन में शामिल करना होगा। अगर हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है तो हमें सबसे पहले शरीर को उसके योग्य बनाना होगा। गुरुजी, मैं तो स्वच्छ हूँ, पौष्टिक भोजन भी करता हूँ, फिर मैं अधिक समय तक ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? इसका क्या कारण है? हमें थकान क्यों होने लगती है? स्वास्थ्य हमारी जीवन की सभी छोटी और बड़ी बातों से जुड़ा है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ होने पर ही विचार मन स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ मन के साथ कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है और ध्यान लगाने में भी हम सफल होते हैं। गुरुजी, फिर हम अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएं? ज्यादा नहीं, हमें प्रकृति से बस जुड़ना होगा। प्रकृति हमें जो भी प्रदान करे हमें ग्रहण करना है। अगर हम प्रकृति के पांचों तत्वों को समझें और इस अनमोल उपहार को ग्रहण करें तो सब संभव है। प्रकृति से जुड़ें? आपका क्या मतलब है? प्रकृति हमें कैसे स्वस्थ करती है? तुमने कभी किसी छोटे पौधे को देखा है कि जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो खिल जाता है, रोशनी से उसे ताकत मिलती है जिसके द्वारा वो पनपता है। इसी प्रकार हमें भी इस ऊर्जा को ग्रहण करना है जिससे हमारे शरीर से बहुत सी बीमारियां दूर रहेंगी और हम भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रकृति ने हमें कुछ भी यूं ही नहीं दिया है, हर एक चीज जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा गुरुजी, क्या जीवन में सूर्य की ऊर्जा लेने से सारे काम हो जाएंगे? क्या इससे मैं ध्यान लगाने में समर्थ हो जाऊंगा? हाँ, लेकिन इसके साथ साथ हमें जीवन में और भी कई बदलाव करने होंगे। हमें हमारी जीवन शैली में व्यायाम को शामिल करना होगा, हमें पौष्टिक आहार लेना होगा। हमारा आहार ही हमारे व्यवहार को परिभाषित करता है, जैसा अन्न वैसा मन। और सबसे जरूरी ये कि हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिनमें जीवन हो। जीवन हो? गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हो?
क्या भोजन में भी जीवन होता है? बिल्कुल होता है। जरा सोचो, हम एक आम की गुठली को मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद एक पौधा निकलता है जो भविष्य में पेड़ बनता है, जिस पर आम आते हैं, और फिर उसी आम से एक गुठली निकलती है। लेकिन क्या ऐसा तुम उन चीजों के साथ कर सकते हो जो आज बाजार में पैकेट में उपलब्ध हैं? क्या जब तुम उन्हें मिट्टी में डालोगे तो क्या पौधा बनेगा? नहीं, क्योंकि उनमें अब जीवन बाकी नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसी चीज खानी चाहिए जिनमें प्राण होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अपने सभी कार्यों में सफल रहेंगे। और हाँ, ध्यान भी आसानी से लग पाएगा। भोजन बड़ा ही अहम है, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसको बहुत छोटा विषय मत समझना। जी, मैं अक्सर जब भी ध्यान लगाता हूँ तो मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। मैं आजकल बहुत गुस्से में रहने लगा हूँ। क्या गुस्से का कोई उपाय है? क्या इन सब भावनाओं को हम काबू में कर सकते हैं? देखो, ध्यान लगाना बहुत सरल सी चीज है, लेकिन कभी कभी ये बहुत कठिन भी हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कोई भी बदलाव बेवजह नहीं होता। प्रकृति ने हमारे अंदर कोई भी लक्षण बिना कारण के नहीं डाला है। कई बार ध्यान लगाते समय हमारा मन कई जगह भ्रमण करके चला आता है। मन की प्रकृति ही ऐसी है। कई बार हमें क्रोध भी आने लगता है जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, और हम निराश भी होने लगते हैं। हाँ गुरुजी, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मुझे कई बार बातों पर क्रोध आ जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी मन को शांत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई भी काम ध्यान से नहीं हो पाता। देखो, क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है, यह मनुष्य की प्रकृति है। क्रोध आना एक संकेत होता है कि हमें बदलाव की जरूरत। क्रोध को कभी अनदेखा मत करना, बल्कि उसे कैसे अभिव्यक्त करना है ये सोचना है। गुरु जी, क्रोध अच्छी चीज है, ये आप क्या बोल रहे हो? उसे कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि क्रोधित होने के बाद तो हम दूसरों को दुख देते हैं, और अगर क्रोध अपने अंदर दबाए रखते हैं तो खुद को दुख दे रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। क्रोध को ज्यादातर लोग मन में ही दबा कर रखते हैं, क्योंकि सबके सामने वे अच्छा बना रहना चाहते हैं। लेकिन इस अच्छे बुरे बनने के चक्कर में व्यक्ति खुद के साथ बुरा कर रहा होता है। अपनी भावनाओं को दबाए रखने से मनुष्य कई मानसिक समस्याओं से जूझने लगता है, जो वर्तमान में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो गुरुजी, इस समस्या का क्या समाधान है? कैसे हम इस मानसिक पीड़ा से बच सकते हैं? क्या क्रोध से छुटकारा पाया जा सकता है? कोशिश की जाए तो आसान है। हमें अपनी भावनाओं को विनम्रता से अभिव्यक्त करना होगा। जब भी हमें क्रोध आए, किसी भी परिस्थिति में या किसी व्यक्ति पर, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुँचाएं, उन्हें बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें बताना जरूरी है कि आप दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। और जब आप कोई भी बात अपने से शुरू करते हैं, तो आप दूसरों को अपनी बात समझने का मौका देते हैं। गुरुजी, क्या अपने मन की बात को अभिव्यक्त करना आसान होता है? ये हम किस प्रकार कहें कि दूसरे लोग हमें क्रोध दिला रहे हैं? लोग कैसे समझेंगे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कार्यालय में उच्च अधिकारी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मी को किसी बात पर सबके सामने डांटता है, तो उस काम करने वाले को क्रोध आना स्वाभाविक है। वो भी एक इंसान है। वो अपने क्रोध को तीन तरीकों से अभिव्यक्त कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि वो नौकरी जाने के डर से चुप रहकर क्रोध को मन में दबा ले। दूसरा तरीका यह है कि वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करे और उल्टा जवाब दे दे और नौकरी छोड़ दे। और तीसरा तरीका यह है कि वो खुद को शांत रखकर और सही समय देखकर विनम्र स्वभाव से अधिकारी को बताए कि इस प्रकार डांटे जाने पर उसे कितना दुख हुआ था। इस स्वभाव से समाधान निकलने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और आगे चलकर आपके अंदर भी अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ता है, और विनम्रता पूर्वक कही बात का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। आग हमेशा पानी से ही बुझाई जाएगी।
तो सही वक्त का इंतजार करना है और उस क्रोध को अपने हिसाब से सही वक्त पर सही शब्दों के साथ दूसरे को बताना है। तब सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी होगा और तुम्हारी भी बात रह जाएगी। मनुष्य बहुत शक्तिशाली जीव है। वह दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करके आज आधुनिक बन चुका है, जिससे उसने अपने दिमाग के कई तत्वों की खोज कर ली है, कई आविष्कारों को जन्म दिया है। हम मनुष्य को मंदबुद्धि, सामान्य या प्रतिभाशाली तीनों रूपों में देख सकते हैं। इन विभिन्नताओं के कई कारण हैं। देखा जाए तो सभी मनुष्य में कई विशेष तरह की क्षमताएं होती हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता। हम अपने जीवन में आम तौर के कामों में ही उलझे रहते हैं और उन क्षमताओं को जानने का प्रयास भी नहीं करते। गुरुजी, कैसी क्षमताएं और इन्हें कैसे पहचाना जाए? क्या ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें इसका ज्ञान हो चुका है? मनुष्य के जीवन का तीसरा पहलू भी है, जिसका नाम है नाभि। दिल और दिमाग का प्रयोग सामान्य बात है, लेकिन नाभि के कार्यों से हम अनजान ही रहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में काम करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या चिंताग्रस्त होते हैं और विचार करते हैं, हम खुद ब खुद ही अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर एक मुद्रा बना लेते हैं और ये अपने आप होता है। ये अवस्था हमारे शरीर को उस परेशानी का रास्ता बताने में मदद करती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये काम अपने आप होता है और यही कुंडलिनी जागरण है। तुमने अभी पूछा था, क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसके बारे में ज्ञान है? हाँ, ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्हें अपनी इस असीम ऊर्जा का ज्ञान हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप कई ऋषि मुनियों को देख सकते हैं जिनके लिए सांसारिक दुख या सुख समान है। वे एक दूसरी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां सांसारिक क्रियाकलाप प्रभावित नहीं करते। उनके लिए जीवन मृत्यु सब समान है। गुरुजी, ये कुंडलिनी जागरण क्या है और ये कैसी अवस्था है? कुंडलिनी जागरण एक विद्या है जो योग, तंत्र, रसायन, आयुर्वेद जैसे तत्वों को साथ लेकर चलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सभी सिद्धियों, सभी शक्तियों को बाहर लेकर आना है। ये सिद्धियां और शक्तियां हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। जब व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है, उन्हें आंतरिक ऊर्जा से और निखारता है, तो वह समान लोगों से अलग पहचान बना लेता है। इससे हम कह सकते हैं उसने अपनी अवस्था को पहचाना है और उसे सिद्ध किया है। कोई भी महान गायक, नृतक, कलाकार, चित्रकार ऐसे ही महान नहीं बनता। ये अपनी शक्तियों को ध्यान, अभ्यास से बढ़ाते हैं, तभी ये सामान्य से अलग कहलाते हैं। गुरुजी, कुंडलिनी विद्या क्या है, ये कैसे काम करती है? कुंडलिनी शब्द कुंडल से बना है, जिसका अर्थ व्रत या गतिशीलता है। एक सांप को कुंडलिनी अवस्था में देखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में उनकी पूंछ उनके मुंह में होती है और वह एक कुंडल की भांति दिखाई देते हैं, जैसे वो खुद को खुद से छुपाए हुए हैं। इसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी मनुष्य में ही छिपी है, जैसे अपनी ही पूंछ अपने मुख में हो। मनुष्य के पास भी ऐसी चीज है जिसे वो जानता ही नहीं और साधारण सी चीजों में अपने आप को जकड़े रहता है। एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। कोई गायक मंच पर जाने से पहले डरता है कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे, वो गा पाएगा या नहीं। लेकिन जब हम प्राणायाम, योग, ध्यान से अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, तब हमारे अंदर ऐसे दुविधा भरे प्रश्न आते ही नहीं हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक शक्ति रहती है जो हमें प्रयत्नशील बनाती है। सभी कार्य संभव से लगने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण क्यों आवश्यक है,
हम इसे कैसे समझ सकते हैं? सभी मनुष्य में कुंडलिनी की प्रकृति शांत अवस्था में रहती है और जब हम इसे योगाभ्यास से जागृत करते हैं तब हम इसकी ऊर्जा को जान पाते हैं। ऊर्जा की इस उच्च अवस्था में समझ और बोध की भी उच्चतम अवस्था होती है। जो ज्ञान हमें हमारी सामान्य इंद्रियों से प्राप्त होता है, कुंडलिनी जागरण से हम उस ज्ञान को सभी पहलुओं से समझ पाते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, कुंडलिनी जागरण मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को इस्तेमाल करने की तकनीक है और विशेष क्षमताओं का जागरण है, जिसे तुम लोग आम भाषा में सुपर पावर्स बोल देते हो। कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें? क्या मनुष्य खुद जागृत कर सकता है? क्या ये इतना सरल है? कुंडलिनी साधना को गुरुनिष्ठ विद्या बताया गया है, यानी कि इसमें गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। जिस तरह कोई शिक्षा को ग्रहण करते वक्त हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, शिक्षा हम खुद भी पढ़कर प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम उस विद्या में सही तरीके से निपुण नहीं हो पाते। इसी प्रकार कुंडलिनी साधना में भी गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे योग प्राणायाम करते समय भी हमें सही मुद्रा और प्रक्रिया का ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त करना असंभव है, उसी प्रकार यहाँ भी गुरु की आवश्यकता है। देखो, सरल तो कोई भी कार्य नहीं है। जीवन के सभी कार्य प्रयास अभ्यास से ही सफल होते हैं और कुंडलिनी जागरण में भी संयम ध्यान प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। गुरुजी, इस विद्या में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और मनुष्य में क्या बदलाव आते हैं? कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र यानी जननांग में स्थित होती है। ये 7 चक्रों का संगम है। इन चक्रों के जागरण से हम सामान्य से असमान बन जाते हैं। हम अपने शरीर की मूल प्रकृति से जुड़ जाते हैं। इस असामान्य अवस्था में पहुंचने पर हम एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम अपने सामने कोई भी विपत्ति आते देख घबराते नहीं हैं, हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, हमारा मन भी स्थिर रहता है, किसी भी गम या खुशी में विचलित नहीं होते, हम हमेशा एक शांति का अनुभव करते हैं और हमारे अंदर निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव चलता रहता है। गुरुजी, किन विधियों द्वारा चक्रों को जागृत किया जाता है? इसे हम कुंडलिनी योग द्वारा जागृत कर सकते हैं। ध्यान के बिना कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान से ही दिमाग शांत होता है और शांति की अवस्था में ही जागरण संभव है, और प्राणायाम करने से प्राण वायु स्थित होती है। इससे हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। इस दौरान हम ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और इससे हम अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर पाते हैं। और ऐसे ही बहुत से अभ्यास हैं जो हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक होते हैं। वो कौन से अभ्यास हैं गुरुजी? हम धीरे धीरे सभी अभ्यासों पर चर्चा करेंगे और मैं तुम्हें वो सभी अभ्यास सिखाऊंगा भी। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमारे शरीर में जिस स्थान पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है उसे चक्र के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा हैं, जिन्हें हम 7 चक्रों के रूप में देखते हैं। ये 7 चक्र हमारे शरीर के वो बिंदु हैं जहां हमारी ऊर्जा एकत्रित होती है। जी गुरुजी, पर इन चक्रों के जागृत होने पर मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनके जागृत होने पर मनुष्य सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, जैसे ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, मोह आदि। व्यक्ति के अंदर प्रेम और संवेदना उत्पन्न होती है। व्यक्ति सबका हित चाहने लगता है। चक्रों के जागृत होने पर इंसान भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर लेता है। वह सुख से दुख से ऊपर उठ जाता है
और परमानंद की प्राप्ति करता है। गुरु जी, प्रथम चक्र का क्या नाम है? ये कैसे जागृत होता है? मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है? प्रथम चक्र है मूलाधार। ये चक्र योनि में स्थित होता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, ये एक इमारत की नींव है। जिस प्रकार किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार सभी चक्रों का मूल मूलाधार चक्र है। यह चेतन शक्ति की प्राण ऊर्जा का केंद्र भी है। इस चक्र में कुंडलिनी शक्ति शांत अवस्था में होती है और ध्यान योग से उसे जागृत करके मनुष्य ऊर्जाशील, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान बनता है। इसे जागृत कर लेने के बाद एक व्यक्ति भोजन, नींद जैसे मानवीय आवश्यकताओं से मुक्ति पा लेता है। जी गुरुजी, दूसरे चक्र का क्या नाम है और यह मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालता है? दूसरे चक्र का नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। ये नाभि के 2 इंच नीचे स्थित होता है। यह जीवनी शक्ति का केंद्र बिंदु है। इस चक्र को जागृत करके मनुष्य काम वासना पर नियंत्रण पाता है। मनुष्य अपने दैविक और दैहिक दोषों से मुक्त होता है। वह जीवन में सभी सुख पाता है, अर्थात उसे आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुजी, तीसरे चक्र के विषय में भी बताइए, वह किस प्रकार काम करता है? तीसरे चक्र का नाम मणिपुर चक्र है। इसका स्थान नाभि है। यह चक्र संपदा का प्रतीक है। इस चक्र को तंत्र और योग साधना से जागृत किया जा सकता है। इसका आधार तत्व अग्नि है। यह हमारी नाभि के पीछे स्थित होता है। इसे जागृत करने पर जीवन में उच्च पद, धन, यश, दौलत, शोहरत की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का आत्मनियंत्रण बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान और धन कमाना हो तो इसे उसे जरूर जागृत करना चाहिए। गुरुजी, चौथे चक्र के कार्य के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में भी बताइए, इसके द्वारा जीवन में हम क्या बदलाव ला सकते हैं? चौथे चक्र का नाम अनाहत चक्र है। यह मनुष्य के हृदय के पास स्थित होता है। हृदय में स्थित चेतना शक्ति का भावना प्रदान केंद्र यही है। यह चक्र हमें सुख दुख के थपेड़ों से बचाता है। जीवन मृत्यु के वास्तविक रहस्य का ज्ञान कराता है, जिससे मनुष्य के अंदर उचित अनुचित का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है और मन को शांत करता है। जिस मनुष्य की ऊर्जा अनाहत से सक्रिय है, अर्थात जागृत है, वो मनुष्य एक सृजनशील यानी के एक क्रिएटिव व्यक्ति होता है। जी गुरुजी, अब हमें पांचवें चक्र के बारे में भी बताइए और ये भी बताइए कि मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। यह गले के पीछे स्थित होता है। जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस होता है, उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। वो अपनी बातों से दूसरों को बहुत ही आसानी से प्रभावित कर पाता है। वो एक अच्छा वक्ता होता है। लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। यह चक्र मन की चंचलता को दूर करता है। क्योंकि ये चक्र थायराइड ग्रंथि के पास होता है, इसीलिए इसके जागृत होने पर हम अपनी भूख और प्यास को भी नियंत्रित कर पाते हैं। हम आवेश या क्रोध जैसी गतिविधियों पर भी नियंत्रण प्राप्त करते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों का विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है, वे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। जी गुरुजी, छठे चक्र का क्या नाम है और ये मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? छठे चक्र का नाम आज्ञा चक्र है। ये दोनों आँखों के मध्य में हमारी भौहों के बीच में स्थित होता है। इसे मनुष्य की तीसरी आँख भी कहा जाता है। इस चक्र के जागृत होने से शारीरिक और मानसिक रोगों का निकारण यानी के इलाज होता है। इस चक्र के जागृत होने पर एक व्यक्ति अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट बनता है।
इस चक्र के जागृत हो जाने पर एक प्रकार की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। इस चक्र को बैलेंस करने वाले लोग भविष्य को पहले ही देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, हमने सुना है प्राचीन समय में संत और बड़े ऋषि मुनि भविष्य की घटनाओं के विषय में पहले ही बता देते थे। इसका मतलब ये है कि वे सभी अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर चुके थे, तभी उन्हें भविष्य की घटनाओं का पहले से बोध हो जाता था। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर लोगों का दिमाग पढ़ने की क्षमता भी विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा आनंदित रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे बौद्धिक सिद्धि और शांति को प्राप्त कर चुके होते हैं। जी गुरुजी, अब सातवें चक्र के बारे में भी बता दीजिए, मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है ये चक्र? सहसार चक्र सातवां चक्र है। यह सिर के ऊपरी हिस्से में होता है। सहस्रार चक्र से व्यक्ति ब्रह्मांड से जुड़ता है। व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है, उसे आत्म अनुभूति होती है और ईश्वर की अनुभूति का ज्ञान होता है। जब इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है, तब वह व्यक्ति बिना किसी कारण भी परम आनंद में झूमता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी ऊर्जा ने अब चरम शिखर को पा लिया है, उसको छू लिया है। जी गुरुजी, इन चक्र की विशेषताओं को आपने बहुत अद्भुत ढंग से बताया, लेकिन क्या हम इन्हें जागृत करने में सफल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मनुष्य शुद्ध मन से ध्यान लगाए, योग प्राणायाम करे, तो वह इन चक्रों को जरूर जागृत कर सकता है और अपनी ऊर्जा शक्ति को महसूस कर सकता है। मनुष्य अजवा जाप की विधि को भी अपना सकता है, जिसमें श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करके वो अपनी ऊर्जा जागृत कर सकता है। हमारा शरीर ही हमें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है, बस हमें उसे सही दिशा देनी है। ये सातों चक्र जीवन को शारीरिक और मानसिक और साथ में आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वस्थ बनाते हैं। आगे मैं तुम्हें इन चक्रों को जागृत करना भी सिखाऊंगा। गुरुजी, कर्मों को सभी ने प्रधान बताया है, गुरुओं से लेकर भगवान तक ने, लेकिन प्रश्न ये है कि कर्म तो सभी करते हैं, चोर भी, डाकू भी, जालसाज भी, फिर वो दोषी क्यों कहलाते हैं, बताइए? जब कर्म के अनुरूप कर्म नहीं होता है, जैसा जिसे करना चाहिए वैसा ना करे, उस पर आसक्त हो जाए या उपेक्षा कर दे, इस पर उसका दोष लगता है और इसी को कर्म बंधन कहा जाता है। गुरुजी, यदि किसी कारणवश हमसे कोई गलती हो जाए, कोई काम गलत हो जाए और हम उस काम की क्षमा मांग लें, तो हमें उस दोष से निजात मिल जाएगी क्या? प्रकृति के विधान में क्षमा का प्रावधान नहीं है। प्रकृति का विधान अपने अनुसार चलता है, यह स्वयं में संचालित है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। जो इसके विधान का पालन करता है उसका लाभ लेता है, जो इसका उल्लंघन करता है दंड का भागीदारी बनता है। गुरुजी, कर्म तो हम सभी करते हैं और उसमें परिश्रम भी होता है, तो हमें उस परिश्रम का लाभ भी तो मिलना चाहिए। दुष्कर्मों के बीज बोकर पुण्य की फसल काटने की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में हर कर्म का परिपाक होता है। तुमने संतों की वाणी तो जरूर सुनी होगी, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। यहां पर बबूल का बीज डालकर आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। यदि बीज बबूल का बोया गया है तो इसके कटीले कांटों की चुभन से भी दो चार होने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि कांटों की चुभन से, उसकी पीड़ा से बचने के लिए तुम समा याचना करने लगो तो प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। कर्म किया है तो उसके अच्छे
और बुरे परिणामों से भी गुजरना पड़ेगा। जो हम गलतियां करते हैं उसके दंड से बचने के लिए कोई विकल्प है क्या? गलतियां हुई हैं तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर दंड से इतना भय है तो गलती करते समय सोचा क्यों नहीं गया कि एक दिन इसका भी परिणाम अवश्य आएगा। इस सृष्टि में प्रकृति के नियम से कोई भी बड़ा नहीं है। गुरुजी, क्या प्रकृति से बड़ा कोई भी नहीं है? पर आप तो ये कहते हैं कि हर किसी से कोई ना कोई बड़ा होता ही है, जैसे हमसे बड़े हमारे पिता और उनसे बड़े हमारे दादाजी। हाँ, यह बात सही है कि अधिकांश कोई ना कोई किसी ना किसी से बड़ा होता है। ठीक ऐसे ही प्रकृति से बड़ा नियता ईश्वर है। परंतु वह क्यों इसके बीच में पड़ेगा? वह तो अपना साम्राज्य प्रकृति के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। और प्रकृति भी अपने आप को क्यों बदलेगी? अपना विधान तोड़कर दंड को पुरस्कार में और पुरस्कार को दंड में क्यों बदलेगी? क्यों प्रकृति अपने आप को दूसरे की इच्छा के अनुसार बदलती रहेगी? जरा सोचो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में तो सृष्टि की गतिविधियां ही उलट पुलट हो जाएंगी। प्रकृति ने अपनी सृष्टि को संचालन करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं गुरुजी? हाँ, ये सत्य है कि सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति ने विशेष नियम और विधान बनाए हैं, उनकी व्यवस्था की है। जो इस विधान को जानते हैं और समझते हैं वे कभी भूल नहीं करते, वे भूलवश भी भूल नहीं करते। वे अपने कर्तव्य और कर्मों को, स्वधर्मों को कभी नहीं भूलते। यदि इनसे कभी कोई भूल होती है तो किसी और को प्रेरणा देने के लिए ही होती है। गुरुजी, हम कर्म बंधन में किन कारणों से जकड़ते हैं और हमारे किस कर्म का परिणाम कब आएगा, बताइए। सुनो बच्चा, वह कौन से कारण हैं इनको जान लो। कर्म बंधन में इंसान मोहवश, आक्तिवश, लोभवश, कामनावश, क्रोधवश किया गया कर्म, इनके द्वारा ही हम कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं और इनसे उपजे हुए परिणामों से हमें तदाकार होना पड़ता है। किस कर्म का परिणाम कब आएगा और बुरे परिणाम से कैसे निजात पाई जा सकती है, इसका भी एक विशिष्ट विधान है। जो इस विधान से परिचित होते हैं वे किसी कारण हुई गलतियों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। जैसे चाकू का गलत इस्तेमाल से हाथ भी कट जाता है, हाथ कट जाने पर उसकी पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। आपका हाथ ना कटे, इसीलिए चाकू का सावधानी पूर्वक और सही प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही सभी कर्मों के साथ सजग और सचेष्ट रहकर ही बर्ताव करना चाहिए। यदि हमसे किसी कार्य में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें प्रकृति के दंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? यदि त्रुटि हो ही जाती है तो प्रकृति के दंड से बचने की बजाय स्वेच्छा से दंड को वरण कर लेना चाहिए। जैसे चोरी करते या गलत काम करते पकड़ा गया व्यक्ति अगर सीधे कोतवाली पहुंच जाए तो उग्र भीड़ के क्रोध से बच सकता है। गुरुजी, क्या स्वेच्छा से वरण करने से क्षमा मिल जाती है? हाँ, वैसे स्वेच्छा से दंड वरण करने से चीजें कुछ आसान हो जाती हैं। परंतु क्षमा तो तब भी नहीं मिलती। हाँ, कुछ सुविधाएं हैं। त्रुटियों के लिए स्वेच्छा से दंड वरण करने को तपस्या कहा जाता है। गुरुजी, क्या तपस्या करने से हमारे दंड क्षमा हो जाते हैं? सुनो बच्चा, ये बात जान लो कि तपस्या भी दंड विधान के अंतर्गत आती है, जिसमें स्वयं को उस कर्म से उपजे परिणाम को भोगने के लिए अनेक प्रकार की कष्ट साध्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। क्षमा तो यहाँ भी नहीं मिलने वाली। गुरुजी, यदि तप करने से दंड नहीं मिटता तो प्रायश्चित तप किसको कहा जाता है?
बच्चा यह ध्यान रखो, दंड मिलने से पहले अगर तुम प्रकृति के विधान को नतमस्तक कर लो और स्वयं के दंड को ओढ़ लो और पश्चाताप कर लो, उसी को प्रायश्चित तप कहा जाता है। तप से किस तरह प्रारब्ध को काटा जाता है गुरुजी? इसे भोगने के क्या तरीके हैं? इसे भोगने के दो ही तरीके हैं, एक भोग और दूसरा तप। भोग काल प्रकृति के विधान के अंतर्गत आता है, इसे ही सुख दुख कहा जाता है, और दूसरी तरफ तप के द्वारा अपने निर्धारित समय में इस परिपाक को गलाया जाता है। भोग और तप ही दो माध्यम हैं जिनसे प्रारब्ध को काटा या कम किया जाता है। बस दो ही उपाय हैं, या तो तुम तप करते रहो और अपने आप को उस वक्त तक तप में ही रखो जब तक तुम्हारा वो परिणाम पूरा ना हो जाए, या फिर अपना दैनिक जीवन जीते रहो जिसमें तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से सुख और दुख मिलते जाएंगे। दो ही तरीके हैं जिनसे तुम अपने परिणाम को भोग सकते हो। तो गुरुजी, ये मानकर चलें कि इन्हीं दो माध्यम से सभी पाप कट जाते हैं? नहीं, जीवन के कुछ ऐसे भीषण दुष्कर्म होते हैं जिन्हें उग्र तपस्या के माध्यम से भी पूरा काटा नहीं जा सकता। ऐसे में उसे कुछ तप करके और कुछ भोग करके काटा जाता है। गुरु या किसी महान योगी तपस्वी की कृपा से भी भोग कम हो जाते हैं। ये जिस पर कृपा करते हैं उसके पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे कृपा पात्र पर कर्म का भार बहुत कम हो जाता है और शेष कर्म को धीरे धीरे भोग कर समाप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कृपा होने की स्थिति में ही ये संभव है, अन्यथा नहीं। गुरुजी, यदि हमसे भूलवश कोई छोटा सा दुष्कर्म हो जाता है तो उसका हमारे जीवन पर तो फर्क नहीं पड़ता? कभी कभी किसी क्षण में किए हुए एक छोटे से दुष्कर्म का परिणाम भी दिल दहला देने वाला हो सकता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्कर्मों के बीज डालने चाहिए ताकि उनसे पुण्य के फल उगें और उनसे जीवन सुखी और संपन्न हो जाए। दुष्कर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा कर्म हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से भटका दे, विमुख कर दे। गुरुजी, लोग ये कहते हैं कि गंगा नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तीर्थ करने से भी पापों का अंत हो जाता है। बच्चा, तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आ गई। तुमने संतों की वाणी नहीं सुनी? नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यदि गंगा नहाने से मनुष्य के दुष्कर्म माफ हो जाते और तुम समझते हो स्वर्ग के दर्शन हो जाएं, तो सारी मछलियां आज स्वर्ग में होती, क्योंकि वे तो सदा जल में ही रहती हैं। परिवर्तन अपने मन में लाना होगा। ज्ञानियों ने कहा है कि माथे चाहे चंदन लगा, चाहे गंगा जल छू, पाएगा आखिर अपने ही कर्मों का फल तू। तो गुरुजी, जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुमने लोगों से सुना होगा कि कोई भी बड़ी यात्रा पर जाता है तो अपने कर्जे को उतारता है। लोग हज पर जाते हैं तो अपना सारा कर्जा उतार कर जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो जब अंत समय में विधाता के पास जाए तो अपने दुष्कर्मों का बोझ ना लेकर जाए। उसके लिए वो हमेशा सत्कर्म करे। यदि ऐसा ना कर सके तो कठोरता पूर्वक किसी भी दुष्कर्म में हाथ नहीं डालना चाहिए। पता नहीं किस दुष्कर्म का परिणाम कितना घातक हो सकता है और हमें उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए प्रकृति के दंड विधान से बचने के लिए जीवन में हमेशा
सत्कर्म करने चाहिए तथा जीवन में तपस्या को स्थान देना चाहिए। गुरुजी, आज मेरा दोस्त भी आपसे बात करने के लिए आया है। इसके दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। किस तरह के प्रश्न चल रहे हैं? गुरुजी, ये बहुत शराब पीता है और मैं इसे बार बार समझाता हूँ कि शराब मत पी, ये गलत चीज़ है। ये पूछता है कि क्यों गलत है, इसमें क्या कमी है। मैं चाहता हूँ कि आप ही इसे कुछ समझाओ। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। अब समझना ना समझना तुम्हारे दोस्त के ऊपर है। लेकिन गुरुजी, लोग मदिरा पान का सहारा क्यों लेते हैं? क्यों हमारा समाज नशे का आदि होता जा रहा है? देखो, हमारा जीवन दो विपरीत ध्रुवों में घूम रहा है, सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश तथा जीवन मृत्यु। ये जीवन के शाश्वत सत्य हैं, जिनका सामना किसी न किसी रूप में हर एक मानव को करना ही पड़ता है। कुछ व्यक्ति जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ हार मानकर पलायन कर जाते हैं। पलायनवादी प्रकृति की प्रमुख प्रक्रिया है नशीले द्रव्यों का सेवन करना। निराशा के क्षणों में बोझ और दुख को भुलाने के साधन के नाम पर व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है। वह उनका सहारा लेने लगता है। लेकिन गुरुजी, मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग अपनी शान के लिए भी पीते हैं। बहुत बड़े बड़े घर वाले, बहुत अमीर व्यक्ति भी पीते हैं। क्या वो गलत हैं या वो परेशान हैं? आज के व्यस्त मशीनी जीवन में घर परिवार में मार्गदर्शन और संस्कार नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। धनी परिवार के व्यक्ति तो नशा करने में अपनी झूठी शान समझते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, और इसी वजह से नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। भारत जैसे देश में शराब का नशा प्रमुख माना जाता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के नए रूपों के सघन जाल में फंसती जा रही है और नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। तो गुरुजी, शराब पीने से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? नशीले पदार्थ वे मादक और उत्तेजक पदार्थ हैं, जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति अपनी पूरी स्मृति और संवेदनशीलता अस्थायी रूप से खो देता है। शराब व्यक्ति के स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही वह भले बुरे की चेतना, उचित अनुचित का विवेक भी खो देता है। उसके अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगते हैं, वाणी लड़खड़ाने लगती है और शरीर में कंपन भी होने लगता है। अमाशय, यकृत और हृदय शराब से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। शराब पीने वाले की घर परिवार में कोई कदर नहीं होती और वह व्यक्ति घर के लिए भी एक बोझ बन जाता है। शराब की लत शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक सभी स्तरों पर अपना कुप्रभाव दिखाती है। व्यक्ति अपनी पारिवारिक और नैतिक जिम्मेदारियां त्याग कर अनैतिक और असामाजिक कर्मों में और भी उन्मुख हो जाता है। परिवार के लिए वो एक बोझ बनकर ही रह जाता है। एक बार शराब की लत पड़ जाने पर व्यक्ति निरंतर इस खाई में धंसता चला जाता है और उसके भीतर इसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। इस लालसा की ललक इतनी तीव्र होती है कि वह अपराध करने में भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन गुरुजी, कुछ लोग शराब को औषधि समझते हैं, इसको दवाई के रूप में भी तो प्रयोग किया जाता है। बच्चा, इसी को कलयुग कहते हैं, जहां विष को भी औषधि का नाम दिया जाता है। यह कलयुग है। एक युग था कि जब अमृत के लिए युद्ध हुआ था, और अब लोग शराब के लिए, इस विष के लिए लड़ते हैं। ना जाने किस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं जो ये लोग शराब को दवा बताते हैं। गुरुजी, आपके कथन के अनुसार शराब एक विष है, ये तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी जानता है, और शराब की बोतल पर भी लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फिर भी लोग जानबूझकर इसका सेवन क्यों करते हैं? हमारी शारीरिक ऊर्जा सामान्यता इंद्रिय जगत और भौतिक जगत की ओर उन्मुख होती है। ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं और चुनौतियां भी विकराल नजर आने लगती हैं। उनके समक्ष मनुष्य को
अपना अस्तित्व बौना सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे में वो बहक जाता है और भटक जाता है और शराब जैसे विष को औषधि समझकर उपयोग करने लगता है। ऐसा ही बहुत से लोग नासमझी में किए जा रहे हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो जिस परिस्थिति में होते हैं उससे बाहर निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं होता। उनके पास मात्र शराब ही एक उपाय बचती है, तो वो अपने दुख को भुलाने के लिए इसका सेवन करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि शराब तो भगवान का प्रसाद होता है, हम लोग प्रसाद समझकर ही इसके सेवन कर लेते हैं, तो क्या बुराई है? बेटा, तुमने कभी भगवान से ये कहते हुए सुना है कि आज मेरे लिए प्रसाद में ये मिठाई लेकर आना, ये वस्तु लेकर आना? ये तो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, खुद अपने आप चुन रखे हैं। जैसे गणेश जी के लिए लड्डू, हनुमान जी के लिए बूंदी, शंकर जी के लिए दूध, संतोषी माता के लिए गुड़ और चना, माँ दुर्गा के लिए हलवा आदि। तुमने कभी सोचा है कि यदि मंदिर में भगवान ये सब चीजें खाते तो तुम लोगों को कितना डांटते? भगवान कहते, हमारे लिए रोज मिठाई लेकर आते हो, हमें क्या शुगर की बीमारी करोगे? और जो लोग भगवान को शराब चढ़ाते हैं उनसे भगवान भी ये बोलते कि मनुष्य तो हमेशा शराब पीकर अपना लीवर फेफड़े खराब कर ही रहा है और साथ में हमारे भी करने आ गया, सोचो वो कितने नाराज होते। तो बेटा, बात ये है कि ये प्रसाद मनुष्य ने ही चुने हैं। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्ची भक्ति के सिवा। गुरुजी, मैं अपने दोस्त की पार्टी में एक बार गया था और वहाँ वो मुझे शराब पिलाने लगा और कहने लगा कि ये तो मर्दों की चीज है, आदमी असली मर्द तभी बनता है जब इसे लेता है, क्या ये सच है? बेटा, जो सामान्य मर्द होते हैं उनके लिए चारों दिशाएं होती हैं, और जो ऐसे मर्द होते हैं उनके लिए चार जगह होती हैं। चार जगह? कौन सी चार जगह गुरुजी? हाँ गुरुजी, बताइए कौन सी चार जगह के बारे में बोल रहे हैं? मैं खाना, पागल खाना, जेल खाना और दवा खाना। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें कौन सा मर्द बनना है। ऐसे कुछ मर्द आज भी तुम्हें मिल जाएंगे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, जिनकी पत्नी बाहर खड़ी होकर अपने मर्द की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा, खुद सोचो। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि उसकी इतनी अच्छी बनाई हुई चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? यदि भगवान के पास क्या जवाब दोगे इसका डर है, तो भगवान से और भी बहुत से वादे करके आए हो, उसका ध्यान नहीं है? जब इंसान गर्भगृह में होता है तब वह दुनिया में आने के लिए झटपटाता है और इस बंधन से निकलने के लिए गुहार लगाता है और अपने सच्चे मन से कहता है कि ईश्वर, यदि तुम इस कष्ट से निजात दिलवा दो तो मैं ये सारा जीवन तेरी ही आराधना में लगा दूंगा और पृथ्वी पर नेक ही कार्य करूंगा। ईश्वर इनका भी तो बुरा मानेगा जो नेक कार्य का वादा तुम करके आए हो, ये तो तुम भूल जाते हो। बस तुम्हें एक वस्तु याद रहती है कि शराब ईश्वर की बनाई हुई चीज है, इसका सेवन जरूर करना है। तुम्हें और भी काम करने हैं, ध्यान रखना, शराब पीने के अलावा और बहुत से काम हैं। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति नशे में है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को सेहत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को प्यार का नशा है, तो शराब पीने वाला ही बदनाम क्यों होता है? शोहरत, दौलत, प्यार आदि ये नशे शरीर के आंतरिक मामले हैं, ये महसूस किए जाते हैं और इससे दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं, और शराब एक मादक द्रव्य है जिसके केवल दुष्परिणाम ही होते हैं। संतों ने कहा है कि शराब शरीर ही नहीं हमारी आत्मा को भी नाश कर देती है। शोहरत, दौलत, प्यार ऐसा कभी नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि ज्यादा दौलत पाने से उस व्यक्ति के फेफड़े खराब हो गए, शोहरत पाने से किडनी फेल हो गई, किसी ने प्यार में दिल लगाया तो उसके दिल में छेद हो गया, क्या तुमने कभी सुना है? नहीं सुना होगा।
गुरुजी फिर क्या है इस विकराल समस्या का समाधान, आप ही बताइए। क्या नशा मुक्ति केंद्र जाएं या फिर शराब छुड़ाने की दवाइयों का सेवन करना चाहिए, आप बताइए। नशा मुक्ति केंद्र या कानूनी प्रतिबंधों की ओर देखा जाए तो इनकी एक अपनी सीमा है। ये व्यक्ति पर बाहरी या मानसिक दबाव तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी भीतरी प्रवृत्ति और प्रकृति को बदलने में असमर्थ हैं। और रही बात उस दवाई की जिसको खाने में मिलाकर दिया जाता है, कभी कभी ये दवाइयां जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो गुरुजी आखिरकार इसका उपाय क्या है, इस बीमारी का इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? योग एवं योगिक क्रियाएं एक ऐसा माध्यम है जो इस राह में आशा की किरण प्रतीत होते हैं। योग मात्र शरीर तक ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि इसकी क्रियाओं और विधियों की पहुंच मानवीय संस्कारों तक है। यह एक गंभीर समस्या है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं। ऐसी बहुत सी यौगिक क्रियाओं को अध्ययन करके निकाला गया है जिन यौगिक क्रियाओं से इससे पूरी तरह निजात पाया जा सकता है, जिसमें यौगिक क्रिया जल नेति, वमन घोती, अग्निसार, कपाल भाती आदि आते हैं। प्राणायाम के क्रम में नाड़ी शोधन, सूर्य बेधी और भ्रामरी आते हैं। योग में वो प्रेरणा और शक्ति है जिसके माध्यम से मदिरा पान तो क्या, जीवन के किसी भी हलाहल को अमृत में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। आज यदि जन सामान्य में इसको अपनाया जाए तो नशे की अनेकों अन्य समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। मेरा फर्ज तुम्हें समझाने का है, अभी तुम यहाँ तक आए हो इसका अर्थ ये है कि तुम समझना चाहते हो, तुम इस विष को त्यागना चाहते हो। अब बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे इसे छोड़ो या पूरे जीवन पकड़ कर रखो। जी गुरुजी, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, आज के बाद मैं इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये सब मेरे हाथ में है, मैं जानता हूँ, और अब मैं योगी क्रियाओं पर ध्यान दूंगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वो बहुत आसानी से सफल हो जाए? सफल होने के लिए अपने अंदर बहुत से बदलाव करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं जो हमारे भीतर होने अनिवार्य हैं, लेकिन आज मैं उनमें से एक गुण के बारे में तुम्हें समझाता हूँ। आज का विषय है वाणी, यानी आपकी बोली। भाषा किसी भी देश या किसी भी प्रांत की हो, लोग उसे तभी सुनेंगे जब उसमें मिठास हो। कबीर दास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। किसी भाषा को बोलने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें शब्दों का चयन ठीक से हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी बोली बता देती है कि व्यक्ति कैसा है, और ये भी बताती है कि कैसा ज्ञान रखता है। गुरुजी तो आज वाणी के बारे में बताइए, भारतीय शास्त्रों में इसका क्या स्थान है? सुनो बच्चा, वाणी ईश्वर प्रदत्त एक दैवीय उपहार है जिसे भारतीय शास्त्रों में सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है। वाक्र शक्ति के रूप में इसका वर्णन वहां आता है। यहाँ के माध्यम से प्रकट ध्वनि को शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। मंत्र शक्ति के रूप में इसका ही सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। इसकी सामर्थ्य में वरदान से लेकर शराब के घटित होने के किस्से शास्त्रों में भरे पड़े हैं। वाणी लोक व्यवहार में क्या महत्व रखती है गुरुजी? शास्त्रों में शब्द की उपमा क्या दी गई है? लोक व्यवहार में वाणी का अपना महत्व है, जो सामाजिक जीवन में सफलता से लेकर आंतरिक शांति संतोष का आधार बनती है। वाणी का स्थूल स्वरूप जहां वैश्वरी के माध्यम से मुख द्वारा उच्चारित किया जाता है, तो वहीं परापश्यंती और मध्यमा के माध्यम से अंतकरण की वाणियां प्रस्फुटिक होती हैं। इससे भी आगे
शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म की उपमा दी गई है। शब्द की बड़ी सामर्थ्य बताई गई है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के गुप्त मन पर पड़ता है, अपितु सारा संसार भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि शब्द का कभी लोप नहीं होता। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है और वह समान धर्मी व्यक्तियों के गुप्त मन से टकराकर उसमें तदनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता रहता है। क्या शब्द हमारे स्वभाव और चरित्र के निर्माण में योगदान देते हैं गुरुजी? हाँ बच्चा, यह अनुभव सिद्ध बात है। जिसके भी प्रति हम शब्दों द्वारा अच्छी भावना प्रकट करते हैं, वह व्यक्ति जाने अनजाने में ही हमारा प्रेमी और शुभचिंतक बन जाता है। और इसके विपरीत, जिनके बारे में हमारे विचार या शब्द कलुषित होते हैं, वो अनायास ही हमारे अहित चिंतक शत्रु बन जाते हैं। अर्थात शुभ एवं मंगल वाणी से इस पूरे जगत में सद्भावना का प्रचार होता है, जिससे समाज का वातावरण आनंद और उल्लास पूर्ण बन जाता है। प्रत्येक शब्द हमारे अंतरकरण पर एक अमिट गुप्त छाप छोड़ जाता है, जो हमारे स्वभाव और चरित्र के निर्माण में योगदान देता है। क्या गुरुजी आप ये कहना चाहते हैं कि हमें बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और शब्दों का सही चयन करना चाहिए? सुनो बच्चा, शब्द की इस अतुलनीय सामर्थ्य को देखते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें प्रत्येक शब्द के प्रति अत्यंत सावधान रहने का संकेत दिया है, तथा वाणी को सदा मधुर, पवित्र और हितकारी बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों के अनुसार तुम इसे समझ सकते हो। तुलसी मीठे वचन ते सुख उज्जत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। और इसी तरह दूसरा वचन, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठी वाणी बोलकर सारे जग को बस में कर ले। ना तो कौवा किसी से कुछ छीन रहा है और ना ही कोयल किसी को कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी कोयल की आवाज सबको बहुत मधुर लगती है और वो सबका दिल जीत लेती है। प्रेम का संगीत सुनाती है, प्रेम का संदेश चारों ओर फैलाती है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, दूसरों को अपना बनाया जा सकता है, लोगों के हृदय में अपना स्थान पाया जा सकता है। साथ ही शास्त्रों में वाणी के सत्य और कल्याणकारी स्वरूप पर भी बल दिया गया है। गुरुजी, अविवेकपूर्ण सत्य बोलने से दूसरे निर्देशों को क्या कष्ट उठाना पड़ सकता है और उन शब्दों के कहने वाले को भी क्या पाप लग सकता है? महर्षियों ने कहा है कि सत्य का प्रयोग जीवों के हित के लिए करना चाहिए, अहित के लिए कभी नहीं। जिसके बोलने से प्राणियों की हानि होती है, वह सत्य होते हुए भी असत्य और पाप ही माना जाएगा। ऐसे अविवेकपूर्ण सत्य बोलने से दूसरे निर्देशों को कष्ट उठाना पड़ सकता है और कहने वाले को भी पाप लगेगा। इसीलिए परिस्थिति को भली प्रकार विचार कर, विवेक का सहारा लेकर, सबके लिए कल्याणकारी होकर व्यक्ति को ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि वाणी अमृत या विष दोनों का काम करती है गुरुजी? हाँ, ये सच है कि वाणी अमृत और विष दोनों का काम करती है। जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढ़ाने वाली है, निष्कपर, मधुर तथा हितकार होगी, वही अमृत तुल्य कहलाएगी। इसके विपरीत जिस वाणी में कठोरता, अहमनता, उपहास, कटुता, द्वेष भाव, छिछोरापन आदि होगा, वह अपने और दूसरों के लिए भी विष का कारण बन सकती है। ये पूरी तरह हानिकारक होगी। गुरुजी, क्या हमारी वाणी से लोक कल्याण के साथ
आत्मनिर्माण का प्रयोजन भी सिद्ध होता है। हाँ, ये भी सच है कि वाणी से लोक कल्याण के साथ आत्मनिर्माण का प्रयोजन भी सिद्ध होगा। अपने मन को हमेशा सत्य संकल्प पूर्ण वाणी से संबोधित करते हुए उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा सकती है। मन को एकाग्र और शांत करके एकांत में ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जा सकता है जिससे उसे नई चेतना और नई प्रेरणा मिले। इस प्रकार के आत्मनिर्देश पूर्ण शब्दों द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिकता, आत्मबल और पर्याप्त मात्रा में जीवन को पवित्र, सुखी और संपन्न बना सकता है। आज इसी क्रिया को लोगों ने अफर्मेशन का नाम दे रखा है। वाणी को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए मौन का अभ्यास किया जा सकता है। गुरुजी, हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? क्या वाणी दुरुपयोग से हमारी शक्ति का कोई अंश नष्ट हो जाता है? मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। इसके विपरीत वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का एक बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। इसीलिए इंद्रिय संयम के लिए जैसे ब्रह्मचर्य का महत्व है, वैसे ही वाणी के संयम के लिए मौन की महिमा बताई गई है। इसके विपरीत वाचालता, व्यर्थ प्रलाप हानिकारक सिद्ध होते हैं। जो इंसान बहुत अधिक बोलता है उसकी वाणी से मधुरता चली जाती है, उसकी वाणी में वो ठहराव नहीं होता। जो इंसान अधिकतर मौन रहता है और आवश्यकता होने पर ही बोलता है, उसकी वाणी में तुम एक वजन महसूस कर सकते हो। क्या व्यर्थ प्रलाप करने यानी बेकार की बातें करने से ऊर्जा की हानि होती है गुरुजी? क्या हमारे व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? व्यर्थ प्रलाप से ऊर्जा का अनावश्यक क्षय होता है। दूसरा, इससे व्यक्तित्व का हल्कापन भी प्रकट होता है। फिर ये भी नहीं पता कि अपने बहाव में जवाब कब फिसल जाए और अर्थ का अनर्थ हो जाए, जो बाद में स्वयं के लिए गंभीर पश्चाताप का कारण भी बन जाता है। जैसा कि रहीम साहब ने अपने दोहे में कहा है, रहीमन जिविया बावरी, कह गई सरग पताल, आपन तो भीतर गई, जूते खाए कपाल। यानी यह हमारी बोली ही है जो हमें फूलों के हार पहना देती है और यदि फिसल जाए तो जूते भी पड़वा देती है। गुरुजी, बुद्धिमान लोग वाणी का किस तरह प्रयोग करते हैं और विपरीत वाचालता से कैसे बचा जा सकता है? बुद्धिमान लोग वाणी का प्रयोग चुने हुए शब्दों में करते हैं। छलनी से छान कर जो कहना चाहिए वे उतना ही कहते हैं और हर व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक हो। अगर बोलना ही हो तो कम से कम बोलो। एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो मत बोलो। इस विषय में चींटी से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता और वह मौन रहती है। वाणी का सदुपयोग एक तरह की सावधानी ही है जिसका अभ्यास सबको करना चाहिए। हम अपने समय पर सफलता कैसे पाएं और समय किसकी कदर करता है गुरुजी? समय हमारे जीवन का पर्याय है। हमारे पास कुल जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता है। समय उसकी कदर करता है जो समय का अपने जीवन में सही ढंग से सुनियोजन कर पाते हैं। वही लोग सफलता के सिपानों पर अपने कदम बढ़ा पाते हैं। गुरुजी, क्या आपकी नजर में आज का युवा समय की कदर नहीं करता? आज के समय में युवा वर्ग केवल समय की कदर करता है, लेकिन एक ही समय में बहुत से काम करने का प्रयास भी करता है। निश्चित रूप से उनका ये व्यवहार उनके बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही कार्य करने की बजाय दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण उनके हिस्से में आ रही सफलता भी उनके हाथ से छूटकर
किसी और की झोली में जा गिरती है। लोग कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या ये सच है गुरुजी? हाँ, ये वास्तविकता है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, किसी के लिए नहीं रुकता। हमें ही समय के साथ आगे बढ़ना होता है और समय के साथ अपना तालमेल बैठाना होता है। वर्तमान में लगातार बदलती जीवन शैली और निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सभी परिचित हैं। हर कोई ये जानता है कि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। इसीलिए समय प्रबंधन अर्थात समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये प्रश्न हमेशा लोगों के दिमाग में उठता रहता है। हमें समय का सदुपयोग का निर्णय कब लेना चाहिए गुरुजी? ये ध्यान रखें कि समय का सदुपयोग करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। हम जैसा भी निर्णय लेते हैं वैसा ही कार्य करने लगते हैं। हमारे जीवन की दिशा धारा समय की उस धार में बहती है जिस दिशा में हमारे निर्णय होते हैं। गुरुजी, सही निर्णय लेने की कला किस व्यक्ति के पास होती है? सही निर्णय लेने की कला उस व्यक्ति के पास होती है जो दूरदर्शी और विवेकशील होता है, जो रचनात्मक होने के साथ साथ अनुभवी भी होता है। क्या एक पल में किया जाने वाला कार्य दूसरे पल को प्रभावित करता है गुरुजी? हमारे जीवन का हर पल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से गुथा हुआ है। एक पल में किया जाने वाला कार्य दूसरे पल को प्रभावित करता है और दूसरे पल का कार्य उसके अगले पल पर अपना प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि अतीत के आधार पर हमारा वर्तमान तैयार होता है और वर्तमान की नींव पर हमारा भविष्य खड़ा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय पर क्या क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए उसे सदा सजग रहना जरूरी है। जब एक व्यक्ति वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं से रूबरू होता है तो उसे भली भांति पता होता है कि अमुक समय में किस तरह के कार्य को करने की प्राथमिकता दी जाए। यदि हमें जीवन में सफलता पानी है तो किस तरह के कार्य करने चाहिए? जीवन में यदि सफल होना है तो समय का सदुपयोग करने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर हर क्षण कुछ नया सीखने की ललक भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करने से तात्पर्य ये नहीं है कि जो कार्य व्यक्ति को आता ही ना हो उसमें जबरन वह अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दे। ऐसा करने से अमुक कार्य में व्यक्ति की ऊर्जा बहुत लगेगी और वह ठीक ढंग से उसे पूरा भी नहीं कर पाएगा। ऐसा करना एक तरह से मूर्खता ही होगी। कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति का एक घंटे का जीवन मूर्ख व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बराबर होता है। इसीलिए इस तरह की मूर्खता करने से बचना चाहिए। गुरुजी, नया कार्य करने से आपका क्या तात्पर्य है बताइए? नया कार्य करने से तात्पर्य है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने ही कार्यों को नए ढंग से करना, उन्हें रचनात्मक बनाना, अपने काम के साथ साथ कुछ नया सोचते हुए अन्य कार्य करना। और ऐसा करने से हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ती है। नयापन हमें और अधिक करने की प्रेरणा देता है, कार्यों को करने की रुचि पैदा करता है और साथ ही साथ नया सीखने की ललक भी जगाता है। क्या हर व्यक्ति को समय की पहचान और समय का सम्मान करना जरूरी होता है? ऐसा क्यों? हर व्यक्ति को अपने समय का सम्मान तो करना ही है, इसके साथ अपने समय को पहचानना सरल नहीं है। लेकिन जो समय को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करने लगता है वही व्यक्ति सफल होता है। समय अनुसार कर्म करना, समय अनुसार विचार करना, समय अनुसार व्यवहार करना, क्या सफलता प्राप्त करने के लिए ये सही मार्ग हैं? समय अनुसार विचार करना, व्यवहार करना और कर्म करना
सफलता प्राप्ति का एक साधन है। हालांकि अपने कार्यों को तत्काल निपटाने का प्रयास करके भी व्यक्ति समय का यथासंभव सदुपयोग कर सकता है, लेकिन अपने काम को निपटाने का उद्देश्य होने पर काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर भी हमारी दिनचर्या में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें निपटाने की आवश्यकता होती है ताकि उनके कारण जरूरी काम प्रभावित ना हो। वह कौन सी आदत है जो समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है गुरुजी, जिसके कारण हम अपने जरूरी कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते? व्यक्ति की टाल मटोल करने की आदत समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण हम अपने जरूरी काम को समय पर नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में उन्हें पूरा करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो कार्य हमारी स्मृति में अभी हैं, बाद में उन्हें करने के लिए टाल देने पर हो सकता है कि बाद में वो हमें स्मरण ना आए और उनकी जगह पर अन्य दूसरे जरूरी काम हमें याद आ जाएं। यदि समय निकल जाने पर हम उसी कार्य को अच्छे ढंग से करें तो क्या यह हमें सफलता का परिणाम दे सकता है गुरुजी? हर कार्य की अपनी महत्ता है, लेकिन समय पर किसी भी कार्य को पूरा होने पर ही उसकी महत्वता दृष्टिगोचर होती है। अन्यथा कार्य कितने भी अच्छे ढंग से किया गया हो, समय निकल जाने पर वो कार्य निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम जो जरूरी है उसे कल के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला कल हो सकता है कि अनेक परेशानियां और झंझटों को लेकर आए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सुबह्य शीघ्रम की नीति अपनानी चाहिए। तो हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए और मौका देखकर समय को पकड़ लेना चाहिए। मुख्य बात तो समझने योग्य है कि समय को पकड़ने का प्रयास करके नहीं, समय का इंतजार करके नहीं, बल्कि समय से तेज भागकर ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति समय के पीछे नहीं बल्कि समय से आगे चल पाए। गुरुजी, उन व्यक्तियों के विषय में क्या कहोगे जो दुष्कर्म करते हैं, सभी तरह के नशे करते हैं, ताशबाजी, नाच गाना और भी बहुत सारे काम करते हैं और कहते हैं कि अपना समय ठीक जा रहा है? उनके लिए यही कहना है कि गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, पर गया हुआ समय दोबारा प्राप्त नहीं होता। पैसों को तो हम तिजोरी में रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अपने अमूल्य समय को व्यर्थ कामों में खर्च मत करो। समय का सदुपयोग ना करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। और जो कहते हैं कि हमारा समय अच्छा जा रहा है, देखने में तो ऐसा दिखता ही है कि समय अच्छा चल रहा है, पर वास्तव में उनका शरीर जा रहा है। विचार करें कि जो समय चला गया, उस समय के सदुपयोग से हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर कितना आगे बढ़ सकते थे। गुरुजी, आज के समय में सफल कौन है और उसकी सफलता का क्या राज है? जीवन सफलता का राज यही है कि आज के इस युग में जिसने समय को साध लिया, समय का सही सदुपयोग कर लिया, समय अनुसार अपने को सुव्यवस्थित कर लिया, वही व्यक्ति सही मायने में अपने जीवन को सफल कह सकता है। और यही जीवन की सफलता का सही मार्ग में बताएं, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीजें चाहते हैं। गुरुजी, मेरे मन में एक दुविधा रहती है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? हाँ, बोलो, क्या दुविधा है? गुरुजी, मैं शादी के बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी करूँ, कभी मैं सोचता हूँ ना करूँ, क्योंकि मैं दूसरे लोगों को परेशान देखता हूँ शादी के बाद। तो मेरा फैसला शादी करने का सही है
या शादी ना करने का सही है? क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो बहुत ही मजेदार विषय है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। शादी विवाह ये नाम सुनते ही स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी के मन हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। लड़कियां नए नए वस्त्र बनवाने की तैयारियों में लग जाती हैं। पुरुष खाने पीने का कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं। युवा नाच गाने की तैयारियां करते हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ नव युवक और नव युवतियां दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधते हैं। बड़ी बड़ी रस्में अदा होती हैं। विवाह के रूप में बड़ा समारोह किया जाता है। गाजे बाजे रोशनी दावतें लेन देन बारात जुलूस आदि के साथ दो प्राणी विवाह सूत्र में बंधते हैं। इन नए आकर्षित और प्रारंभिक दिनों में जीवन बड़ा सुखद बीतता है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन नहीं रहती और दाम्पत्य जीवन कलह अशांति द्वेष असंतोष की आग में जलने लगता है। तुम इसी दुविधा से परेशान हो ना, इसी बात का डर तुम्हें सताता है ना? जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुजी, गृहस्थ जीवन का आधार क्या है? गृहस्थ जीवन की यह नींव किस आधार पर टिकी है? गृहस्थ जीवन समाज और संसार के विकास का आधार है, जिसमें स्त्री और पुरुष को विवाह संस्कार द्वारा रिश्तों की डोर में बांधा जाता है और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया जाता है। इस जीवन के उद्देश्य और नियम बताए जाते हैं। गृहस्थ जीवन की यह नींव जिस आधार पर टिकी होती है, यह नियम उनको समझाना जरूरी भी है। यदि यह नींव कमजोर है तो इस गृहस्थ जीवन को लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो जाता है, और यदि नींव मजबूत है और उसकी सुरक्षा के लिए जबरदस्त प्रयास हो रहे हैं, तो फिर कैसे भी संकट क्यों ना आए, गृहस्थ जीवन तपोवन बना रहता है। गुरुजी, गृहस्थ जीवन में नवजीवन का संचार कैसे हो पाता है? नए जीवन की शुरुआत कैसे हो पाती है? गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार प्रेम और आत्मीयता है। प्रेम की मधुर मिठास और प्यार की स्निग्धता में गृहस्थ जीवन का पौधा प्राणवान बनता है, सुविकसित होता है और वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। पौधा जब वृक्ष में विकसित होता है तो वह मजबूत हो जाता है और हर परिस्थिति को सहन करने में सक्षम हो पाता है, और फूलों की खुशबू और साथ में फलों की मिठास को वितरित कर पाता है। ठीक यही बात गृहस्थ जीवन के साथ भी, जब तक गृहस्थ रूपी पौधे को प्रेम के जल से सींचा ना जाए, संयम सेवा सहज भाव के खाद पानी से पोषित नहीं किया जाए, तब तक उसमें नवजीवन संचार नहीं हो पाता और यह असमय ही मुरझा जाता है। वे कौन से तत्व हैं जो गृहस्थ जीवन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं गुरुजी, और गृहस्थ जीवन की डोर को अटूट बनाते हैं? जिस तरह खाद पानी पेड़ पौधे के लिए अमृत के समान प्राणदायक होते हैं, उसी तरह आत्मीयता प्रेम भाव सेवा भाव सहकारिता और त्याग गृहस्थ जीवन के लिए प्राणदायक होते हैं। ये तत्व ही वे आधार हैं जो गृहस्थ जीवन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ जो इस जीवन की डोर को अटूट और व्यापक बनाते हैं, वे हैं विश्वास, परस्पर स्वीकारिता का भाव। विश्वास के धरातल पर गृहस्थ जीवन इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरह की आंधी उसे डगमगा नहीं सकती। वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण पति और पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को एक दूसरे के गुणों में बदल पाने में सक्षम हो पाते हैं गुरुजी? बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति में यह डोर अविचलित रहती है और उस समय के साथ निरंतर मजबूत होती जाती है। एक दूसरे के प्रति स्वीकारिता एक ऐसा तत्व है जिसके कारण पति पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को एक दूसरे के गुणों में बदल पाने में सक्षम हो पाते हैं। सृष्टा ने
नर और नारी दोनों को विशिष्ट गुणों से संपन्न करके भेजा है। यदि पुरुष के अंदर संघर्ष की क्षमता और अनुशासन बनाए रखने का गुण है तो नारी के अंदर करुणा और ममता के भी गुण हैं। जब नर और नारी दोनों के अवगुणों को ना देखें और एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करें तो गृहस्थ जीवन पूर्णता प्राप्त होता है। यह स्वीकारोक्ति का भाव रखे बिना संभव नहीं है। वह कौन सा तत्व है जो गृहस्थ जीवन की डोर को तिनके तिनके के समान बिखेर देता है गुरुजी, और किन किन कारणों से गृहस्थ जीवन की नींव में घुन लग जाता है? सुनो बच्चा, गृहस्थ जीवन की डोर को तिनके तिनके के समान बिखेर देने वाला तत्व है एक शक, दूसरा संदेह। कारण और भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण यही दोनों हैं, जिनके कारण इस डोर में बंधे हुए दोनों ही व्यक्तियों यानी स्त्री पुरुष की अधिकांश ऊर्जा नकारात्मकता से घिर जाती है, और इसी नकारात्मकता के आधार पर उनके जीवन की अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और इसके कारण गृहस्थ जीवन की नींव में घुन लग जाता है और इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसे परिणाम अक्सर हमारे सामने आते हैं। आजकल की दुनिया में होने वाले संबंध विच्छेदों का मुख्य कारण अविश्वास, संदेह, भ्रम ही होता है, जिसके कारण वैवाहिक संबंध ज्यादा दिनों तक निभ नहीं पाते हैं। गुरुजी, यदि गृहस्थ जीवन में अहंकार का बीज पड़ जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? सुनो बच्चा, यदि गृहस्थ जीवन में अहंकार का बीज पड़ गया है और इसका अंकुर पनपकर विकसित होने लगा है तो भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए लोग समय समय पर क्रोध की भीषण अग्नि में जलते रहते हैं, और यह अग्नि उनके जीवन को जलाकर समाप्त कर देती है। अहंकार की क्रोध रूपी अग्नि इतनी भयावह होती है कि यह व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट कर देती है। वर्तमान परिदृश्य पर यदि गौर किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इसी अहंकार रूपी अग्नि के कारण अधिकांश लोग दूसरों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जितने भी प्राण घातक प्रयास किए जाते हैं उनके मूल अहंकार का विकृत रूप क्रोध अवश्य होता है, क्योंकि क्रोध की ज्वाला में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वह अज्ञानता के अंधेरे में घिर जाता है और कृकृत्य पर बैठता है, क्योंकि कभी भी शांत और प्रसन्न मनोस्थिति में इस तरह का अपराध नहीं किया जा सकता। गुरुजी, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चल के अहंकार और क्रोध से मुक्ति मिल जाती है? यदि गृहस्थ जीवन को इन सब से मुक्त करना है और नित्य निरंतर उसमें नवीनता का, सृजनता का और विकास करने का भाव रखना है तो यह रास्ता है आत्मीयता का, मित्रता का। आत्मीयता ही दंपतियों को ऐसे धरातल पर ले जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को समान समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समस्याओं को सुलझाने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, क्योंकि मित्रता होती है बराबर वाले में। जिनमें ना हो तो कोई बड़ा या कोई छोटा होगा, लेकिन जहां मित्रता होती है वहां ना तो कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता है। मित्रता में ना तो अहंकार का स्थान है और ना ही क्रोध का, इसीलिए इस आधार पर विकसित हुए संबंध हमेशा मजबूत जीवन का आधार बनते हैं। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि शादी करके फंस गए, इससे अच्छे तो कुंवारे ही भले थे। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की शादी में खूब नाचते गाते हैं जब तक उनकी अपनी शादी नहीं हो जाती, और ऐसे गाने भी चलवाते हैं जैसे मेरा यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल में, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके, और जैसे आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। ये उन्हें भी पता है कि वह भी संसार का ही हिस्सा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शादी दो शरीर का मिलन ही नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। जो यह समझ नहीं पाते
वही लोग ऐसी निराशावादी बातें करते हैं। अगर जोड़े के साथ प्यार देखना है तो जीवों में देखो और सीखो। कबूतर के बारे में यजुर्वेद में उदाहरण देते हुए बताया गया है, मित्र वरुणाया भया कपोतान, मित्रता प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा। मित्रता प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा हम में कबूतरों जैसी हो। सारस भी ऐसा पक्षी है, जोड़े में अगर कोई एक बिछड़ जाए तो दूसरा बहुत दुखी होता है। पंडुक नर मर जाए तो उसकी मादा उसके शव में शरीर कूट कूट कर विलाप करती है। उसका वह आंत्रनाद देखकर, बिलखना देखकर मनुष्य के भी आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मनुष्य में भी ऐसी निष्ठा और ऐसा प्रेम होता तो उसका जीवन भी कितना सुखमय होता। यह बात अपने दोस्त को भी बताना जो सब ये कहते हैं कि शादी करके फंस गए यार। गुरुजी, शादी के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि शादी वह लड्डू है कि जो खाए वो पचताए और जो ना खाए वो भी पचताए। सुनो बच्चा, सबसे पहले तो तुम्हारा कथन ही गलत है। शादी कोई लड्डू नहीं है, शादी कोई मिठाई नहीं है। वे लोग तो ये बात कह सकते हैं जिनका मतलब शादी सिर्फ एक टाइम की दावत है। अगर शादी को कोई उपमा देनी है तो आंवले की देनी चाहिए। कहावत है कि आंवले का खाया और बड़ों का समझाया असर देर से दिखाता है। शादी से एक जोड़ा बनता है और जोड़े से परिवार, और परिवार का होना कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं संतों का जन्म परिवार में ही हुआ है। देवताओं में से सभी गृहस्थ हैं। ईश्वर के अवतारों में भी अधिकांश ने अपना गृहस्थ बनाया है, जैसे ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु जी की लक्ष्मी, शंकर जी की पत्नी पार्वती, इंद्र जी की पत्नी सची, बृहस्पति जी की पत्नी अरुंधति थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब तुम ये बात समझ गए होंगे कि शादी शादी है, उसे कोई मिठाई समझने की भूल ना करे। और बच्चा, अब तुम भी ये कभी नहीं सोचोगे कि तुम्हें भी शादी करके पछताना पड़ेगा। गुरुजी, गृहस्थ दंपतियों के बीच कैसा रिश्ता कायम होना चाहिए और किन कारण से जीवन कभी उबता नहीं है? गृहस्थ जीवन की डोर में बंधे हुए दंपतियों के बीच दोस्ती एक ऐसा रिश्ता कायम करती है जिसके कारण जीवन कभी उबता नहीं है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में नवीनता का संचार हमेशा बना रहता है। जीवन हर पल हर क्षण पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर होता जाता है, क्योंकि दोस्ती का आधार ही आत्मीयता है। एक दूसरे के प्रति समझ, गहरा विश्वास, सहयोग, त्याग और समर्पण भाव है। यदि गृहस्थ जीवन को भली प्रकार निभाना है तो दंपतियों को आपस में प्यार के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता भी निभाना चाहिए और जीवन को सूझबूझ और गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले दंपतियों को क्या करना चाहिए जो उनके जीवन में खुशियां बनी रहें, और कठिन परिस्थिति पड़ जाने पर क्या करना चाहिए? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले दंपतियों के जीवन में प्यार, विश्वास, सेवा भाव, समर्पण और मित्र भाव नित नियंत्रण होने चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने भावों को दर्शाना चाहिए और पारस्परिक सहमति को मजबूत रखना चाहिए। सोच व विचारों में सकारात्मकता विकसित करनी चाहिए और ईश्वरीय सत्ता के प्रति मन प्रबल विश्वास रखना चाहिए तथा सच्चे अंतर्मन से उन्हें पुकारना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों का सामना दंपतियों को करना पड़ सकता है जिनमें ईश्वरीय सहायता ही हमारी मदद कर सकती है और हमारे जीवन को संकटों से उभार सकती है। इसलिए ईश्वर को सदा याद रखें और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी, तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मालूम हो
कि आगे भी आप इस तरह की चीजें चाहते हैं।